अच्छा ठीक है, रिकॉर्डिंग के लिए। ऐसे तो मुझे चंदा गा रहे हैं, अल्लाह ने बड़ा नवाज दिया इस मामले में। ओके जी, सो एक पीस ऑफ पेपर पे मैंने लिख लिया जी कि मुबशर का कैपिटल 1 मिलियन। अब मैंने इस कारोबार का खाता अलहदा कर दिया, जिसे आम जुबान में कहते हैं, और अगर अकाउंटिंग की जुबान में कहेंगे तो वो कहेंगे जी लेजर बना दिया, लेजर बना दिया। अभी मैं उससे आपको उन टर्म्स, बिल्कुल मैंने कहा था एबिनिशो से चलूंगा, उस तरह चलूंगा कि जिस तरह आम बंदा अपना हिसाब करता है। आम हालात में आप यही करते हैं, यार ये कागज का टुकड़ा, मेरे बच्चे अपनी पॉकेट मनी का हिसाब रखते हैं, उन्हें मैं कहता हूं ये कागज के टुकड़े पे लिख के रख दो, तुम्हें कितने पैसे मिले थे, किधर किधर खर्चे किए, बाद में लड़ते हो मेरे बड़े भाई ने ये पैसे ले लिए, मेरे छोटे ने ये पैसे खा लिए, राइट। एग्जैक्टली एक आम आदमी इसी तरह हिसाब रखता है, मुबशर्स कैपिटल, मेरे पास इतना पैसा है टोटल हिसाब का, ये ऐसे ही है सर। अच्छा, अब मुबशर ने कारोबार शुरू करना है, जगह चाहिए, जगह पे मैं ऑफिस बनाना चाहता हूं। अज्यूम कीजिए एक पीस ऑफ लैंड मुझे मिल रहा है 100,000 का, लेट अस अज्यूम दैट पीस ऑफ लैंड, और मैंने सोचा है मैंने किराए की जगह पे नहीं रहना, सो लेट अस हैव दिस पीस ऑफ लैंड 100,000 का। मैंने ये पीस ऑफ लैंड खरीद लिया, हो सकता है सर ऐसा, एग्जैक्टली एसेट परचेस कर लिया, एसेट परचेस कर लिया, कितने का ले लिया 100,000 का। अब बाय डेफिनेशन व्हाट इज एन एसेट, आपने इसे एसेट क्यों कहा, व्हाट इज एन एसेट। अब ये अकाउंटिंग की बात है, जब लेमैन टर्म में बात करता हूं तो लेमैन साथ, अब मैं साथ बीच में अकाउंटिंग की टर्म उसी डिस्कशन को करते करते यूज करता जाऊंगा। लेमैन टर्म में भी आप इसे एसेट कह रहे हैं, अकाउंटिंग भी कहती है ये एसेट परचेज हुआ, पर अकाउंटिंग इसे एसेट क्यों कहती है, हाउ वुड यू डिफाइन एसेट इफ दिस कम्स टू एज अ साइंस, एसेट होता क्या, जो कंपनी की प्रॉपर्टी हो, राइट, अग्रीड, बट यू नो बाज दफा लायबिलिटी भी तो मेरी मलकियत होती है, मैंने आपके पैसे देने हैं और मैंने एक पेपर साइन किया हुआ है, मेरी मलकियत ही है। सो एसेट बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये कंपनी मेरी मलकियत ही है जिसमें मैंने कैपिटल डाला हुआ है, पर इसे आप एसेट नहीं बोल रहे, आप कह रहे हैं ये कैपिटल है 1 मिलियन, आपने इसे एसेट नहीं बोला। देखिए जी सर, समथिंग टेंजिबल हम अकाउंटिंग में डिफाइन करते हैं, मैं उसे डिफाइन अकाउंटिंग की तरफ ले जाता हूं, दो चार चीजें अकाउंटिंग की, फिर ये बेसिक चीज अकाउंट। सर प्लीज, एग्जैक्टली एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच कैन प्रोवाइड यू विथ सम सर्विसेज इन द फ्यूचर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सिंपली इकोनॉमिक रिसोर्सेज एसेट, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन। देखिए अकाउंटिंग की लैंग्वेज में दो बेसिक चीजें, एक बेसिक चीज को हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जिन्होंने बिजनेस बेसिक पढ़ा हुआ है उन्हें बड़ा क्लियर पता होगा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है जी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, दो चीजें बस अकाउंटिंग की, ये दो चीजें याद रखनी है आपने मेरी एग्जाम्पल शुरू होने से पहले, मैं दोबारा अपनी एग्जाम्पल पे चला जाऊंगा फिर अकाउंटिंग की थोड़ी सी बात कर लूं। दो चीजें, ओनर्स इक्विटी, इसी ओनर्स इक्विटी को लोग कहते हैं जी शेयर होल्डर्स इक्विटी, एक ही चीज के 10 तरह के नाम कर दें, एक्स वाई जी कुछ रख दें, ओनर्स इक्विटी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये एक चीज है जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, दो चीजें अकाउंटिंग में, ये याद रखें पूरी अकाउंटिंग होगी, एक ये चीज ओनर्स इक्विटी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। लायबिलिटीज को मैंने डिफाइन नहीं किया ना ओनर्स इक्विटी को, मैंने सिर्फ अभी तक एसेट्स को डिफाइन किया, मैं डिफाइन करता हूं उसको, सिर्फ दो चीजें मैं आपको बता दूं, इनमें से एक एक चीज डिफाइन करता हूं, एक हो गया एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, और दूसरी चीज है जिसे अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट, जिसे आप कहते हैं लेजर, और ये लेजर की एक फॉर्म है जिसे कहते हैं टी अकाउंट, लेजर की एक फॉर्म है जिसका ये फॉर्म क्या है, एक बड़ा सा टी बना दिया, इसके दो कॉलम्स, लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। ये दो चीजें जो आपको अकाउंटिंग में याद रखनी है, उसके बाद कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सारी चीजें मैकेनाइज्ड हैं, एक से दूसरी जुड़ी हुई है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी क्यों, हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है इसे हम कहते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक काम की वजह भी देखता है, तौजीह भी देखता है, सोर्स ऑफ फंड भी देखता है, यूज ऑफ फंड भी देखता है। मैं दोबारा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, मैं दोबारा तौजीह पेश करता हूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। आपने कहा मुबशर ने कैपिटल 1 मिलियन लगाया कारोबार में,
वो 1 मिलियन किस शेप में पड़ा है? कैश की शेप में पड़ा है, कि वो बिल्डिंग की शेप में पड़ा है, कि वो सर वो बिल्कुल लैंड की शेप में पड़ा है, या वो सारे का सारा कैश जेब में हार्ड कैश पड़ा है? वो सारा का सारा कैश कैश एट बैंक है, वो सारा का सारा कैश कैश एट लॉकर है, वो सारा का सारा कैश इज इन्वेस्टेड इन यू नो सम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। सो एक्चुअली वो पूछता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ टूल फॉर कंट्रोलिंग पीपल। आप बहुत सारी बिजनेस अकाउंटिंग की बुक्स में लिखेंगे, वो उसके ऊपर टाइटल लिखा होगा अकाउंटिंग फॉर कंट्रोल। अकाउंटिंग इज अ टूल ऑफ कंट्रोल। जब हम बजट देते हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप सारे मोस्ट प्रॉब्ली ऑलमोस्ट 99% ऑफ यू शुड बी इन दी जॉब्स, आप मुझे ये बताइए अगर आपका बॉस बजट अप्रूव करके भेजे और उसमें एंटरटेनमेंट का बजट ना हो, एंटरटेनमेंट का हेड ही ना हो, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट टेल यू? इट टेल्स यू कि अगर कोई आपकी क्लास में आ जाए, कोई बात नहीं सर, आज मेरे साथ साथ बराबर के लेवल। ओके, सो अगर आप ये देखिए, अगर आपका बॉस बजट आपको देता है और उस बजट में एंटरटेनमेंट का बजट नहीं है, तो वो कंट्रोल कर रहा है आपको। क्या कंट्रोल कर रहा है? चाय बहुत पीती हो, बिना बंद कर दो, बिस्किट नहीं खा सकते मेरे पैसे पे, मेरे टाइम में भी खाते हो और मेरे पैसे पे भी खाते हो, काइंड ऑफ कंट्रोल ना सर, एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रहा है। अगर बजट में वो हेड ही नहीं है तो वो कंट्रोल कर रहा है आपको। अकाउंटिंग इज फॉर कंट्रोल, कंट्रोल एग्जर्ट करती है। अगर जब आपको बजट दिया जाता है 1 लाख का, उसका क्या मतलब है? तुम 1 लाख से ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं कि इमरजेंसी पड़ गई तो भी स्पेंड नहीं कर सकते। जब इमरजेंसी पड़ती है तो हम स्पेंड करते हैं, ओवर स्पेंडिंग करते हैं, बजट के हेड्स को इधर से उधर करते हैं, परमिशन से करते हैं। मतलब ये होता है कंट्रोल, अगर करोगे इससे ज्यादा तो मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, इससे ज्यादा करने की तुम्हें इजाजत, अदरवाइज नहीं। अकाउंटिंग डबल एंट्री करने का भी, किसी जमाने में सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम होता था, पीटीसीएल प्राइवेटाइज हो गई, फिर भी उसके 1950s लेट 60s तक के अकाउंट जो है वो अभी भी सिंगल एंट्री में, उसे कन्वर्ट नहीं कर सके, हालांकि उन्होंने फाइनेंशियल कंसल्टेंट बड़े बड़े हायर किए थे, वो सिंगल एंट्री में ही सिस्टम है। अब डबल एंट्री में, मॉडर्न सिस्टम डबल एंट्री में, और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? तुमने पैसा कहां से आया है वो भी बताओ, और ये भी बताओ कि पैसा जो आया है वो गया कहां है। सो एक ये बताओ कि एसेट क्या है तुम्हारे, और दूसरा ये बताओ कि वो आए कहां से। देखिए दो सोर्सेज ऑफ फंडिंग होते हैं, या पैसा कारोबार में आप अपनी जेब से डालते हैं, ये तरीका है ना, या मैं आपसे उधार ले लूंगा, क्या इसके अलावा कोई तरीका समझ आता है? सो कारोबार में जो पैसा आया है वो दो ही तरीकों से आ सकता है, या वो लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आर व्हाट आर लायबिलिटीज, मैंने एसेट्स को डिफाइन किया, लायबिलिटीज को डिफाइन नहीं किया। लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस, आर obligations which you have to, are obligation arising from past transactions which you need to pay in the future. ऐसे ही है ना सर? Liabilities क्या होती हैं? Past transaction के नतीजे में निकलने वाले वो obligation जो आपने future में pay करनी है। ऐसे ही है सर, ये liabilities है। Equity क्या है? वो पैसा which you have invested in the business. So asset, economic resources दो तरीकों से खरीदे जा सकते हैं, एक उधार से और दूसरा अपने पैसे से। अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट यह है कि हर बिजनेस अपनी इंफॉर्मेशन इस तरह से लिखे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। इक्विटी मेरी इन्वेस्टमेंट सर, जो पैसा कारोबार का मालिक बिजनेस में डाले वो इक्विटी है। सो जब इंडिविजुअल मालिक होता है तो उसे कहते हैं ओनर्स इक्विटी, जब एक से ज्यादा मालिक होते हैं तो उन्हें पार्टनर कह देते हैं, उसे पार्टनर्स इक्विटी कहते हैं, जब शेयर होल्डर होते हैं तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कह देते हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। सर हर बिजनेस को अल्टीमेटली इसी तरह प्रेजेंट करना है। अगर एक रनिंग बिजनेस है, बिल्कुल, बिल्कुल, एक्चुअली आपका सवाल सही तौर पे आंसर होगा, और अगर हम तीसरे दिन ये तीसरी मीटिंग में अपनी ये बात ना करें तो याद कराइएगा, पर मैं उसकी बेसिक्स दे देता हूं क्योंकि हमने वहां तक डिस्कशन नहीं की। देखिए कारोबार से जो नफा बनता है वो नफा किसका है? मालिक का, मालिक का सर। कंपनी किसकी? मालिक की। तो वो नफा किसका है? मालिक का। कारोबार में जो खर्चे होते हैं वो किसके होते हैं? असल में आप किसी सेठ को जो एजुकेटेड नहीं है उसे बैठ के देखें, वो अपने सेल्समैन को बार बार चाय पिएगा ना, उसे कहेगा ओ की मेरे खर्चे थे चाय पीती जा रहे हैं, हालांकि उसके खर्चे पे नहीं होता, दुकान के खर्चे पे वो चाय पी रहा होता है। ऐसे ही है ना सर? बट वो कहता क्या है? ओ मेरे खर्चे पे तू चाय की प्यालियां रोटियां तोड़ रहा है। ऐसे ही है सर। क्यों? क्योंकि एवरीबडी इवन अकाउंटिंग अप्रिशिएट दैट व्हाटएवर प्रॉफिट हैव यू मेड दैट इज पार्ट ऑफ इक्विटी, सो इट इन्वेस्ट बैक इटसेल्फ इनटू इक्विटी, एंड व्हाटएवर एक्सपेंसेस यू मेड इट गेट्स आउट ऑफ द इक्विटी।
सो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैं आगे डिफाइन करता हूं उस पर, अभी मैंने डिफाइन ही नहीं किए. मैंने तीन चीजें डिफाइन की हैं सर, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी, दैट्स इट. सर ओनर्स इक्विटी के बहुत सारे नाम है, इसे आप ओनर्स कैपिटल भी कहते हैं, एक ही चीज है सर, एक ही चीज है. इसी इक्वेजन के बहुत सारे नाम है. अभी मैं इसे अकाउंटिंग इक्वेजन कह रहा हूं, जब ये बड़ी हो जाएगी, जब आपको समझ आ जाएगी, जब हम आगे चलेंगे, इसी को बैलेंस शीट बोल दूंगा. इसी की फॉर्म को आगे पीछे, बैलेंस शीट तो आपने बहुत नाम सुना होगा, जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई उन्होंने भी सुना होगा, क्योंकि यूज होती है हमारी बैलेंस शीट ये है. तो सर जी ये बैलेंस शीट का पहला स्टेप है, ये बैलेंस शीट की पहली शक्ल है, ये बैलेंस शीट की पहली फॉर्म है, इसे एक्सपेंड करते हैं तो बैलेंस शीट बनती है. दैट इज एक्चुअली बैलेंस शीट, जिसे मैं अकाउंटिंग इक्वेशन कह रहा हूं. ठीक है सर, इसको आप ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, ओनर्स कैपिटल भी कहते हैं, पार्टनर्स इक्विटी भी कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल भी कहते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कहते हैं, चीज एक ही होती है सर, कॉन्ट्रीब्यूट. मैम बिल्कुल सर, से फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम अपनी उसी एग्जाम्पल से अभी एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. हमने वो कैपिटल ले लिया सर, कैपिटल ले लिया, 1,000,000 रुपया कैपिटल की सूरत में इन्वेस्ट कर दिया सर बिजनेस में. अच्छा अब किसी ने मुझे बताया, जिसने अकाउंटिंग पढ़ी हुई थी उसने बताया, यार कि इंफॉर्मेशन को अगर सिंपल इस कागज के टुकड़े पे लिखोगे तो इंफॉर्मेशन इतनी यूजफुल नहीं होगी तुम्हें एज अ फाइनेंशियल मैनेजर. आप देखिए एक सिंपल सी बात है, एक कामयाब कारोबारी आदमी कौन सा होता है, वो जिसे अपने एसेट्स का ना पता हो या वो जिसे अपने तमाम एसेट्स का पता होता है? वो जिसे अपने तमाम एसेट्स का पता होता है. एक कामयाब कारोबारी आदमी कौन है, वो जिसे अपनी लायबिलिटी का नहीं पता या वो जिसे अपनी एक एक लायबिलिटी का पता? सर वो जिसे अपनी एक एक, वो आदमी कामयाब कारोबार है ये है जिसे इक्विटी का पता है या वो है जिसे इक्विटी का नहीं पता, उसे जिसे इक्विटी का पता है. सो somebody tells me, say somebody tells me that look gentleman, you need to have track record of all of this information. तुम्हें हर लम्हे पता होना चाहिए कि तुम्हारे एसेट किधर हैं और कितने के पड़े, और तुम्हें ये पैसे, ये एसेट आए कहां से, इनका सोर्स क्या है. सो लेट अस अज्यूम, अभी आपके आंसर को, आपके सवाल को मैं आंसर करता हूं, प्लीज एक मिनट दीजिए. मैं कहता हूं यार ये चूंकि इंफॉर्मेशन बड़ी जरूरी है तो मैं सबसे पहले लिखता हूं मेरे पास एसेट कौन सा आया, कैश 1 million इज इक्वल टू नो लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी. मैंने इक्विटी डाली, मुबशिर ने कैपिटल डाला, कितना 1 million. अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वेट कर रही है, इसे कहते हैं इक्वेशन. इक्वेशन करते क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ऑलवेज राइट हैंड साइड. अब आपने बात की लायबिलिटी क्या है, जरा एग्जांपल दीजिए, अभी देखते हैं. मैंने एक ऑफिस मिल रहा था, जमीन मिल रही थी 100,000, मैंने सोचा जमीन लेता हूं. अच्छा वो जिसने वो जमीन मुझे बेच रहा था सर, वो था मेरा दोस्त, और मैं कैश सारा अपना अगर 10 लाख में से 1 लाख सिर्फ जमीन के लिए दे दूंगा तो ऊपर कोई जगह भी बनानी है, कोई कारोबार करने के, मैं उसे सारे पैसे नहीं देता. मैंने उसे कहा यार 50,000 ले ले, 50,000 बाद में कर लेंगे, लिखत पढ़त कर लेते हैं. अब गौर कीजिए सर, गौर कीजिएगा प्लीज, मेरे एसेट्स की शक्ल चेंज हो गई. मेरे पास पहले था सर, आपकी परमिशन से मैं यहां लेकर आ रहा हूं, अगर किसी को नजर ना आए प्लीज मुझे बता दीजिएगा सर. बड़ा कर दूं सर, मैं बड़ा भी कर देता हूं फॉन्ट और इस साइड पे भी आ जाता हूं. सो अज्यूम कीजिए, पहले मेरे पास था कैश सर 1 million. जब मैंने 50,000 की जमीन ली, लाख रुपए की जमीन ली, तो कैश कितना रह जाएगा सर? सर 950,000. क्यों? क्योंकि मैंने कैश कितना दिया है सर, जमीन 1 लाख की दी है, ली है, कैश तो 1 लाख नहीं दिया सर, कैश तो मैंने सर 50,000 दिया है, अग्रीड ना सर? पर उसके अगेंस्ट सोचिए कि चीज मेरे पास कितने की आई है, कैश 950,000 प्लस लैंड जिसकी ओनरशिप मेरे पास आ गई है 1 लाख रुपए. पर क्या 50,000 मैंने उसे देना नहीं है सर, मेरी लायबिलिटी है सर. सो इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी. लायबिलिटी 50,000 प्लस ओनर्स इक्विटी 1 million. अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वेट हो रही है. और ये एग्जैक्ट पोजीशन, अब ये ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी की एग्जांपल है, अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट ट्रांजैक्शन. पास्ट ट्रांजैक्शन थी क्या सर? मैंने लैंड लिया था. आज अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक लम्हे पहले लिया था ना, पास्ट में ही लिया था ना सर, लैंड लिया था अराइजिंग फ्रॉम, उसकी वजह से 50,000 उठा, उसी वजह से उठा. और पेमेंट कब होनी है, विच आई नीड टू पे इन द फ्यूचर. पेमेंट मैंने फ्यूचर में करनी है, अराइज मेरे पास से हुआ है, मेरी पास्ट ट्रांजैक्शन से आया है, मैंने फ्यूचर में देना है. पर ये मुझे स्पॉन्सर कर रहा होता, ये मेरे स्पॉन्सरशिप बन जाता है. देखिए जिस तरह ओनर अपने पैसे का स्पॉन्सर होता है, मैं अपने बिजनेस में पैसा करके स्पॉन्सर कर रहा हूं, उसी तरह बाज दफा मैं लायबिलिटीज से स्पॉन्सर करा रहा होता हूं. ऐसे ही है ना सर. अब अगर एक टेक्सटाइल मिल 100 करोड़ की है तो 100 करोड़ का 100 करोड़ तो मंशा साहब ने उसमें नहीं लगाया. कोहिनूर टेक्सटाइल मिल अगर 500 करोड़ की है तो 500 का 500 करोड़ मंशा साहब का नहीं है,
सैगल साहब का नहीं है, तारिक सैगल ने या तौफीक सर, सर प्लीज सर सर, नाउ दिस इज द थिंग, बिल्कुल आपने जेन्युइन एक क्वेश्चन बताया सर, मेरी एक्विटी तो बिजनेस में वही है सर, वो अपनी शक्ल बदल गई है, पहले मेरी एक्विटी किस फॉर्म में थी, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं, और ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, प्लीज इस तरह के क्वेश्चन कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन कीजिए ताकि क्लैरिटी हासिल हो। देखिए ओनर्स एक्विटी ने शक्ल बदल ली है, जरूरी नहीं कि कारोबार में एक्विटी मेरी कैश की फॉर्म में हो। सर आप कहते हैं मुबशिर अपनी नेटवर्थ बताओ, मैं कहता हूं यार मेरी नेटवर्थ क्या है, बैंक में तो सिर्फ 2 लाख रुपए पड़े। फिर आप कहते हैं बच्चू वो जिस गाड़ी में बैठ के आया है वो नेटवर्थ नहीं है। मेरी नेटवर्थ मेरा पैसा है, शक्ल गाड़ी की है सर। वो जो घर जिसमें मैं रहता हूं मेरा घर है, शक्ल घर की है सर, ऐसा ही है ना सर। सो मेरी एक्विटी वही 1 मिलियन की 1 मिलियन है सर, उस एक्विटी में से 50,000 ने शक्ल लैंड की बना ली है और 50,000 की ऑब्लिगेशन लैंड की शक्ल में बैठी हुई है। सर वो लैंड के अंदर छुपी बैठी है ना सर, है लैंड के अंदर, इसीलिए वो अकाउंटिंग इक्वेशन एग्जैक्टली नहीं बता रही कौन सी ट्रांजैक्शन किधर से स्पॉन्सर हुई है, उसके लिए डिटेल देखनी पड़ेगी आपको। वो ओवरऑल व्यू दे रही है कि भाई 9,50,000 कैश है, 1 लाख रुपए का तुम्हारा लैंड है, 50,000 तुम पे लायबिलिटी है, 1 मिलियन तुमने इन्वेस्ट किया। अब कोई सोचता है यार मैंने तो 1 मिलियन इन्वेस्ट किया था, मेरे पास 1,50,000 के एसेट इकट्ठे हो गए, मैं बड़ा अमीर हो गया हूं। तुमने पैसे कमाए नहीं है भाई, तुम्हारी एक्विटी 1 मिलियन की है, 50,000 लायबिलिटी के, ये बता रहा है। अब बेशक आप सोचें कि कैश जो है वो 50,000 लायबिलिटी वालों को देना है, वो मेरा ब्लॉक्ड है, या ये सोच लें कि लैंड में से 50,000 मैंने देने, पाक वो एसेट साइड पे ही हुई हुई है, क्योंकि ये कहां पे हम देख रहे होते हैं, किससे कैसे पता चलेगा हमें हमने किस जगह पाक की है। नहीं सर, एक होता है जनरल क्लेम, ये जनरल क्लेम है आपके एसेट्स पे, आपके एसेट्स पे जनरल क्लेम होता है ऑब्लिगेशन होल्डर्स का। सो अगर मैंने ऑब्लिगेशन देनी है, ये स्टैंडर्ड लीगल प्रोसीजर है, ये स्टैंडर्ड सेट प्रोसीजर है कि जो जनरल क्लेम होल्डर हैं उन्हें मैं ये नहीं कह सकता, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, से फॉर एग्जांपल मेरा, आपको पता है लोग क्रेडिट कार्ड पे चीजें लेते हैं और डिफॉल्ट कर जाते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने क्रेडिट कार्ड पे सर 3 लाख की क्रॉकरी ले ली, डिफॉल्ट कर गया। अब वो क्रेडिट कार्ड रिकवरी वाला जब आता है तो मैं उसे ये नहीं कहूंगा ये क्रॉकरी ली थी तुम्हारे पैसों से, उसका जनरल क्लेम आ जाएगा मुझ पे। हो सकता है मेरे बैंक से पैसे निकलवा के ले जाए थ्रू कोर्ट ऑर्डर, हो सकता है मेरी गाड़ी बिकवा के पैसे ले जाए, हो सकता है मेरा घर बिकवा के पैसे ले जाए, ये जनरल क्लेम है। सो ये ऑब्लिगेशन बता रही है कि इस सब के ऊपर 50,000 का क्लेम है, किसी एक चीज पे क्लेम नहीं है, सारी चीजों पे क्लेम है, राइट सर। अब कहने को हम ये कह सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एसेट को ब्लॉक कर रहे हैं या प्लेज कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली होता यह है कि जब आप बैंकरप्सी होती है तो आपके जनरल तमाम एसेट्स पे वो लेते हैं और उसे उसको बेचते हैं, और आपकी बैंकरप्सी जब डिक्लेयर होती है तो वो एसेट बेच के पैसे पूरे करते हैं। सो ये कोई पर्टिकुलर एसेट में पार्क नहीं होगा, ये जनरल आप पे क्लेम पार्क है, राइट सर, इज इट गुड सर। सर पूछे, कोई इशू नहीं सर, नहीं इक्वेशन पूरी हो रही है सर, इक्वेशन अपनी इक्वालिटी में है। इक्वेशन कहते किसे, लैंड आपने कहा 50,000 का हमने वो किया लेकिन लाख का आ गया, कैसे आया सर? लैंड था कितने का? तो सर मैंने क्या कोई गलत लिखा? 50,000 क्यों नहीं लिखा? इसलिए बिल्कुल आपने जेन्युइनली बात की है सर, उस लैंड की मार्केट वैल्यू कितनी है? लाख रुपए। अकाउंटिंग में आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। एग्जैक्टली सर, मार्केट में इसे कहते हैं, अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है, मैं उसको एक्सप्लेन सिर्फ एक लम्हे के लिए। अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के पीछे एक और प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, और ये आप रोज अपने ऑफिस में यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या कहता है? देयर हैज टू बी एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर एवरीथिंग व्हिच यू डू। You can't do anything without an objective evidence. Say for example, आप कहते हैं मैंने, आप सरकार में काम करते हैं, आप कहते हैं मैंने अखबार में इश्तेहार दिया था, और ऑडिट वाले कहते हैं इश्तेहार दिखाओ। आप कहते हैं मैंने 15 दिन का टाइम दिया था, ऑडिट वाला आता है दिखा किधर दिया था 15 दिन का टाइम, अखबार की पब्लिकेशन की डेट दिखा, और उसके बाद ये बता के उसके अंदर लिखा हुआ था भाई के 15 दिन का टाइम, होता है ना सर ऑब्जेक्टिव एविडेंस। यू वुड हैव टू डू एनीथिंग विद द ऑब्जेक्टिव एविडेंस, विदाउट ऑब्जेक्टिव एविडेंस आप कुछ नहीं कह सकते। अग्रीड सर, ये प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये गवर्न करते हैं, मैंने नहीं बनाया। अब आ जाइए इधर, इस लैंड की कीमत क्या है सर? स्टैंप कितने का लिखा है सर? लाख रुपया। मैं से 50,000 का नहीं लिख सकता, मजबूरी है सर। अब ये बताएं, आप कहते हैं उस साइड पे भैया तूने लायबिलिटी 50,000 की क्यों बनाई है? सर मैंने पैसे देने कितने हैं आपके, आपसे से लैंड लिया। तो सर यहां तो अपनी लायबिलिटीज लिख रहा हूं, लैंड 1 लाख का आ गया, आया तो 50,000 का कैश ले गया और 50,000 की लायबिलिटी दे गया, राइट सर। से फॉर एग्जाम्पल मुझे नई सिविक बड़ी पसंद आई,
से फॉर एग्जाम्पल मैं लीज कराने जाता हूं, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं उन्हें कहता हूं यार ये 15 लाख ले लो, 10 लाख उधार कर लो। सिविक कोई मुझसे पूछता है कि तू तो कितने की बताऊंगा, 15 लाख की, 25 लाख की आई है। फिर आप मेरे दोस्त हैं पुराने, कहते हैं किस तरह ली तेरे पास, तो इतने पैसे नहीं थे। फिर मैं आपको बताता हूं 15 लाख अपना दिया, 15 लाख इसमें मेरी एक्विटी है, 10 लाख उधार किया सर। तो सर अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वेट नहीं कर गई, कार 25 लाख इज इक्वल टू 15 लाख मेरी एक्विटी, 10 लाख मेरे पे उधार। अग्रीड ऑर नॉट सर? दैट इज द वे अकाउंटिंग रन्स। हम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उसे बिल्ड करेंगे, इसी तरह बिल्ड करेंगे। और प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें सर, आप मुझे सपोर्ट करें, आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको अकाउंटिंग के बेसिक नॉलेज से वो चीजें ला के आपको जस्टिफाई करूंगा। ओके जी, मेरा पहला काम हो गया सर। और देखिए, कोई बंदा जिसने इंफॉर्मेशन मैनेज करनी है, कोई बिजनेस मैनेजर, एक अच्छा बिजनेस मैनेजर होता ही कौन है सर, जिसे अपने तमाम एसेट्स का पता हो, लायबिलिटीज का पता हो, एक्विटी का पता हो। अगर एसेट्स लायबिलिटीज और एक्विटी का नहीं पता होगा, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकेंगे। कोई मैनेजर, बिजनेस मैनेजर को छोड़े वॉर मैनेजर, मुझे ये नहीं पता मेरी कितनी तोपें हैं, कितने F-16 है, मैं लड़ सकता हूं इंडिया से? वो कहां कहां प्लेयर्स हैं, किसके मैंने कितने पैसे देने हैं, कौन मेरी टूटी बंद कर देगा, कौन पैसे बंद कर देगा, मैं काम कर सकता हूं सर? कोई नहीं कर सकता सर। प्लीज आप कौन? एग्जैक्टली सर, ये इक्वेशन इक्वेट हो जाएगी अगर उसे मैं एक सेपरेट एंटिटी लेना चाहूं। अभी मैं इस कारोबार को ले रहा हूं, अभी इस कारोबार को जरा 3-4 और ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारा जहन क्लियर होना शुरू होगा, ये इस तरह के इश्यूज आएंगे पर हमें क्लैरिटी फर्दर आनी शुरू होगी। इसी ट्रांजैक्शन को लेकर चलते हैं, ठीक है सर? सो अकाउंटिंग में अभी हमने सिर्फ एक चीज सीखी, अकाउंटिंग इक्वेशन। सर प्लीज सर, पहले सर 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 एक तरफ जिसके आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव एविडेंस जो आपने बात की सर, दूसरी तरफ जो कुछ आ रहा है इक्विटी आ रही है या लायबिलिटी, नहीं सर सर ये है इकोनॉमिक रिसोर्सेस, एसेट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेस, और ये है सोर्सेस फॉर द रिसोर्स। रिसोर्स को कहां से लाए, ये उसके सोर्सेज हैं और ये यूजेस हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर यूजेस, एसेट्स में पैसा गया है, ये है एसेट्स और ये बता रहे हैं वो सोर्स की फाइनेंसिंग कहां से आई। ऑब्जेक्टिव एविडेंस का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, एक वक्त में एक ट्रांजेक्शन को कई कई प्रिंसिपल लेकर चल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एविडेंस का प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया जो भी काम करना है यू शुड हैव एन ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर दैट, बगैर सबूत के काम नहीं कर सकते। मैं जाता हूं जी, मैं अपने अकाउंटेंट के पास जाता हूं, उसे कहता हूं मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी गया था, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का पर किलोमीटर का 15 रुपए के हिसाब से यार मैं यहां से गया फिर गया उसको लेकर गया, 100 किलोमीटर बना दिए, 1500 रुपए डाल दिए। अकाउंटेंट हैज गॉट द राइट टू आस्क मी। अब ऑब्जेक्टिव एविडेंस तो वो और कोई नहीं बना सकता, वो क्या बनाएगा ऑब्जेक्टिव एविडेंस? सर ये तो बताएं, आपके पास परमिशन थी जाने की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी? आपने मेमो कहीं अपने बॉस से, अपने डीन से, अपने प्रेसिडेंट से साइन कराया था कि आप जाएं? उसने अथॉरिटी दी थी, कुछ ना कुछ तो मांगेगा ना सर। अब आप देखे, मैं NHS जाता हूं ट्रेनिंग कराने, HRTC हाईवे रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है जी बुरहान में इनका, उनसे मैंने क्लेम करना होता है उनका 10 रुपए किलोमीटर का है। वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस बनाते हैं, नंबर 1 ऑफर लेटर, नंबर 2 मेरी उसके जवाब में ईमेल होती है या मुझे प्रोवाइड करो कन्विंस या मैं अपनी गाड़ी पे आऊंगा तो 10 रुपए किलोमीटर चार्ज करूंगा। उसके बाद वो गूगल मैप से, अब ये रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस है, गूगल मैप से मेरे घर का एड्रेस जो मैंने CV पे लिखा होता है उस घर से लेके बुरहान तक को मैप करके उसका किलोमीटर निकाल के फिर साथ अटैच कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्रिएट करते हैं। ये सारे इतने किलोमीटर इसका बना, इसे 10 रुपए से मल्टीप्लाई किया, ये इसके आने का दिया, ये इसके जाने का दिया, ऑब्जेक्टिव एविडेंस। दैट इज द रिक्वायरमेंट, आपकी अकाउंटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, ताकि पैसा लीक ना हो, ताकि कोई अपनी मर्जी से किसी को ना दे दे, ताकि मैं वहां जाके ये ना कहूं कि मैं तो लाहौर से आया था तुम्हारे लिए, CV पे लिखा हुआ है हाउस नंबर फला 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 पिंडी, तो दिस इज पिंडी, इट हैज टू राइट ऑब्जेक्टिव एविडेंस। इसलिए ऑब्जेक्टिव एविडेंस, देखिए ये ऑब्जेक्टिव एविडेंस कहने को छोटी सी चीज है पर ये बड़ी बड़ी बातें कर देती है। मैं अब नाम नहीं लूंगा ऑर्गेनाइजेशन का, पर हमारी एक बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है सरकार की ऑटोनोमस बॉडी, जिसमें परचेजिंग करते हुए चेयरमैन साहब ने ओन जो मार्केट में कहते हैं वो पे कर दिया था गाड़ी पे, ओन की कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं। ऑब्जेक्टिव एविडेंस किसकी होती है सर? गाड़ी की कीमत की, एक्चुअल प्राइस की। 2.5 मिलियन की गाड़ी है, 2.5 मिलियन सरकार देने को तैयार है, ओन सरकार नहीं देती। सो अगर किसी ने ओन पे कर दिया तो पैरा बनेगा, ऑब्जेक्शन रेज होगी, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है। होंडा की साइट पे वो गाड़ी 2.5 मिलियन की है, होंडा कंपनी को तुम्हें 2.5 मिलियन देने चाहिए थे, तुमने 2.7 मिलियन क्यों दिए? 2 लाख का ओन दिया है,
पैरा बनेगा, किसी को नवाजा है उनकी तो कोई कीमत नहीं होती, कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है। जिसकी ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है उसमें, बेशक वो शरीफ आदमी था, वी नो के वो शरीफ आदमी था, उसके बावजूद उस पर पैरा बना था, बनाने वाला भी हमारा दोस्त था, जिस पर बना था वो भी जानने वाला था, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। सो ऑब्जेक्टिव एविडेंस मांगती है ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग कहती है ऑब्जेक्टिव एविडेंस पे चलना है, और वो हर चीज पे चलना है। मैं कहता हूं मेरे पे 1 करोड़ लोन है, आप जाएं आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब आप टैक्स रिटर्न्स देते हैं, टैक्स रिटर्न्स में जितने विदहोल्डिंग टैक्स हैं मैं क्लेम करता हूं, मैं तो क्लेम करता हूं सर 1 रुपया नहीं छोड़ता, पर क्या वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं मांगते? जिधर विदहोल्डिंग टैक्स, जहां जहां मैंने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराई है वो कहते हैं 7 लगाओ, मैंने जिस जिस जगह सर्विस दी है वो 10% मेरी सर्विसेज पे से काट लेते हैं, सैलरी के अलावा जहां मैं कंसल्टिंग करता हूं वो मुझे कहते हैं वो सर्टिफिकेट ला के दो, ऑब्जेक्टिव एविडेंस है ना सर? अगर मैं ऐसे ही कहता रहूं मेरे नाम पे इतने पैसे जमा हो गए कभी नहीं मांगेंगे, ऑब्जेक्टिव एविडेंस, अग्रीड सर? सो बेशक लायबिलिटी हो बेशक एसेट हो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव एविडेंस चलेगा। ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बता रही है? ये बता रही है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज यूजेस ऑफ फंड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू सोर्सेज, यूजेस ऑफ फंड्स, एसेट्स क्या है? यूजेस ऑफ फंड्स है। लायबिलिटीज और इक्विटी क्या है? सर सोर्सेज, जहां से पैसा आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट सर? ये पहली ट्रांजेक्शन थी सर, अभी हमने पहली की है, आज हम बहुत सारी ये करेंगे, और ट्रांजेक्शन करते हैं। अज्यूम कीजिए कि इसके ऊपर मैंने एक बना बनाया। सर सर प्लीज 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 सर प्लीज मुझे बताइए मैथमेटिकल टर्म्स में सर 950,000 प्लस 100,000 कितना हुआ सर? 10.5 लाख, 1.05 मिलियन, और सर ये भी तो 10.5 लाख है। मैथमेटिकली तो इट इज फर्स्ट क्लास सर, ओनली मैथमेटिकली इट इज क्लियर, conceptually it is, it might be confusing. Mathematically तो सर देखें, मैं दोबारा explain किए देता हूँ, my fault, मैं दोबारा explain करता हूँ। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट यू वुड हैव टू बेयर विद माई राइटिंग, वो बस मेरी राइटिंग में तरीका एक ही है पहचानने का, मैं हर 3 जीरो के बाद कॉमा डालूंगा, सो दैट इज द ओनली वे, कॉमे नहीं सर, 0 वाले मार्क्स ना आए अल्लाह करे। ओके ओके जी, सो लेट अस कम टू दिस पॉइंट। सर सर प्लीज मैं दोबारा रिपीट किए देता हूं, कोई इशू नहीं। आप ये देखिए दोबारा सारी कहानी शुरू करता हूं। 1 मिलियन रुपया मेरे पास आया, मैंने कारोबार के नाम पे बैंक में जमा करा दिया। मैंने कारोबार शुरू करना था कंसल्टिंग का, मैंने कारोबार के नाम पे बैंक में जमा करा दिया, मुबशर कंसल्टिंग सर्विसेस, ठीक है सर। सो पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप अगर देखें तो क्या हुआ, कैश मेरे पास आया 1 मिलियन, सर आप 0 ठीक है, कैश आया 1 मिलियन इज इक्वल टू मुबशर्स कैपिटल 1 मिलियन, ठीक है सर। पहला स्टेप ये हुआ, इस पे कोई एतराज नहीं सर, नो इशू। दूसरे स्टेप में मुझे ख्याल आया यार कारोबार शुरू कर लिया, कोई बैठने की जगह नहीं है, चलो जमीन खरीदता हूं छोटी सी जिसपे ऑफिस बना लूंगा। मैंने क्या किया, दोस्त की जगह थी छोटी सी, उसे कहा 1 लाख की बेच रहा है, मुझसे 50,000 ले ले, 1 लाख रुपए मार्केट वैल्यू, अग्रीड, लेट अस मेक एन एग्रीमेंट, पेमेंट 50,000 अभी कर रहा हूं, 50,000 2 महीने बाद, साल बाद, व्हाटएवर, जो एग्रीमेंट कर लिया इन राइटिंग है, सो 2 महीने बाद कर दिया। अब क्या हुआ, कैश हाथ से चला गया ना सर, कितने का चला गया? अगर वो कैश, मैंने कैश को कहीं लिखा हो तो मैं कहूंगा यार 10 लाख में से 50,000 चला गया सर, पीछे कितना बचा सर, 9 लाख, और उसके अगेंस्ट एक लेस एसेट आ गया, एक और इकोनॉमिक रिसोर्स आ गया, एक और, वो कितने का आ गया सर, 1 लाख, यहां तक क्लियर है सर? इसके अलावा सर वो मार्केट वैल्यू थी, प्रॉमिस, वो चीज तो 1 लाख की है सर, उसका स्टैंप तो 1 लाख हुआ सर। एक मिनट, गवर्नमेंट जब अपने कागजों में मुझसे टैक्स लेती है सर तो वो तो 1 लाख का ही लेगी सर, तमाम चीजें 1 लाख के मुताबिक है सर, वो 1 लाख का ही है, मैंने कागजों में रिकॉग्नाइज किया 1 लाख का है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यार 50,000 अभी ले ले, 50,000 बाद में ले ले, जिस तरह मैंने होंडा सिविक की एग्जांपल दी है 2.5 मिलियन की रहेगी, बेशक मैंने उसमें एक्विटी 1.5 मिलियन डाली है और 10 मिलियन का लोन, 1 मिलियन का लोन ले लिया, रहेगी वो 2.5 मिलियन सर। 1 लाख की लैंड है सर, 50,000 दिया है, वो ट्रांसफर नहीं होगी आपके नाम पे जब तक अगला 50,000 आप नहीं, सर ये भी जरूरी नहीं, वो मेरी मिल्कियत तो नहीं सर, ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा। ये कतन जरूरी नहीं, आप बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो और बात है, मैं तो कह रहा हूं मैंने दोस्त से लिया है और दोस्त को कागज पे लिख के दे दिया है कि तुझे 50,000 दूंगा, टाइटल भी ट्रांसफर करा लिया, बिजनेस में इसकी कोई ममानियत नहीं है। अगर मैंने अपने नाम ट्रांसफर, लीज भी आप 2 तरह की करते हैं,
एक लीज वो होती है जिसमें बैंक के नाम पे रहता है, मैं आपको वो लीज भी करा दूंगा, आई एम ओपन, मैं आपको करवा देता हूँ वो लीज भी जिसमें गाड़ी आपके नाम पे कर देंगे, पर उसके अगेंस्ट लायबिलिटी फिर भी होगी और देने भी आपको पड़ेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर सो स्ट्रॉन्ग, राइट सर? सर जो बच्चे के पास 1 मिलियन आया तो सर डबल अकाउंटिंग सिस्टम के तहत भूमि को बताना पड़ेगा कहां से है? सर मैंने लिखा है ना, मुबशर कैपिटल किस सूरत में पड़ा है, कैश की सूरत में पड़ा है, ये नहीं बताऊंगा कि वो कहां से आया। मैं उसका, मैं सोर्स का सोर्स नहीं बताता, मैं टेक्निकली एसेट का सोर्स बताता हूं। एसेट क्या आया है मेरे पास 1 मिलियन, उसका सोर्स क्या है कैपिटल, मैं ये नहीं बताता कैपिटल का सोर्स क्या है। तो बेसिकली जो आप खुद इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल होगा और जो आप लोन लेते हैं वो कैपिटल नहीं होगा। वो लायबिलिटी है सर, वो ऑब्लिगेशन है सर, वो कैपिटल नहीं है। कम से कम इस लेवल पे किसी तरह का कैपिटल नहीं है। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो मैं एक टर्म यूज करूंगा, बोरोड कैपिटल। सो बोरोड कैपिटल हो सकता है, वो ऑब्लिगेशन है सर, वो कैपिटल नहीं है। इकोनॉमिस्ट उससे कैपिटल बोलेगा, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। याद रखिए मैं फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं और फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में अकाउंटिंग इसलिए जो फाइनेंस में यूज होती है। सर उसने आपसे कि भाई आपने, सर हम टैक्स अकाउंटिंग नहीं कर रहे। अकाउंटिंग की बहुत सारी किस्में हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक होती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जिसके मुताबिक ऑडिट्स होते हैं, गवर्नमेंट वाले नहीं, प्राइवेट एंटिटीज के, राइट? और इसको अब आप कहेंगे आप IFRS को अगर वो गवर्नमेंट की नहीं तो यूज किस तरह करते हैं? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज गिवन अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ICAP को कि जो तुम कहोगे हम उस रूल को मानेंगे, उसके मुताबिक जो इनकम निकलेगी उसे मानेंगे, उसके मुताबिक। सो ये वो चीज है जिसे गवर्नमेंट मानती है, राइट सर? पर गवर्नमेंट अपनी अकाउंटिंग इस तरह नहीं करती, गवर्नमेंट की अकाउंटिंग अपनी। सर इक्वेशन की दोनों साइडें हैं, अगर मैं नेगेटिव करूंगा यहां लेकर आऊंगा प्लस हो जाएगी, ये इक्वेट कर रही है, इसे नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ये नेगेटिव नहीं है, ये लायबिलिटी है, देना है। पर उसका जब आप कैश फ्लो शो करते हैं तब डायरेक्शन देते हैं। अकाउंटिंग में वैल्यूज एब्सोल्यूट होती हैं, ये लोन है, आप उसे बेशक अपने पास नेगेटिव सोचिए पर है लोन, राइट सर? इसलिए उसे नेगेटिव लिखते नहीं है, ट्रेडिशन है ना सर हर चीज को करने के। अकाउंटिंग इज इन मेनी अ केसेस इज ट्रेडिशन। अकाउंटेंट्स आर कंजर्वेटिव, अकाउंटेंट्स आर ट्रेडिशनलिस्ट। व्हाई? बिकॉज द साइंस हैज डेवलप्ड इटसेल्फ फर्स्ट एंड द थ्योरी हैज डेवलप्ड इटसेल्फ लेटर ऑन। सर प्लीज सर जी जी सर आप ओके वो जो 50,000 की एक्विटी लैंड है वो किसने दी है? सर मेरी मलकियत की वजह से 10,50,000 की चीजें हैं ना, तो वो मेरी मलकियत है, मालिक मैं हूं, मैं वो मालिक हूं जिसने उधार देना है, मिल्क मेरी है, ओनर मैं हूं, इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरी मिल्क को आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो जो सिविक है जो मैंने 2.5 मिलियन की ली थी उसका मालिक मैं हूं। मैं आपको कहता हूं मैं ऐसी जगह से भी लीज करा के दे सकता हूं जहां एसेट आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। लायबिलिटी भी मेरी है सर, ऑब्लिगेशन भी मैंने देनी है, मालिक भी मैं हूं, सजावार भी मैं हूं, चीज भी मेरी है, राइट सर? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मालिक है चीज भी उसके नाम पे जाती है और लायबिलिटी भी उसने पे करनी होती है, राइट सर? सर प्लीज 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 आप बताइए। अब देखिए सर ये जो बात आप करें ना माइनस की, ये आपके जहन में आ रही है, यूं होना चाहिए। सर मैं अकाउंटिंग वाइज बात कर रहा हूं, मैथमेटिकली उसे ये बता रहा हूँ, इक्वेशन इक्वेट कर रही है। अजीब सा लग रहा है कि ऊपर एक लाइन में आप 1 मिलियन देख रहे हैं जी और 1 मिलियन एकदम 1.5। सर बिजनेस ग्रो कर रहा है ना, अब बहुत सारे बिजनेस ग्रो करते हैं बट उसमें नफा नहीं होता पर वो एक्सपेंड हो रहे होते हैं, क्या ऐसा नहीं होता सर? उधार पे लोग खरीद लेते हैं। मैं तीन, अब आप प्रॉपर बिजनेस से सोचें सर, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने अभी बात की थी 2.5 मिलियन की, मैं सर सिविक ले रहा था। सर ओरिजिनली मेरे पास पैसे कितने थे? 15 लाख, 1.5 मिलियन। क्या मैंने 1.5 मिलियन से 2.5 मिलियन की चीज नहीं निकाल ली थी सर अभी आपकी एग्जांपल में? क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या 1.5 मिलियन लेकर मैं आज जाऊं तो कल मुझे सिविक नहीं मिल जाएगी? सर अल्लाह का शुक्र है इतनी क्रेडिट वर्थीनेस है कि दे देगा कोई भी बैंक, सर मान जाए मिल जाएगी। सो वही 1.5 मिलियन, 2.5 मिलियन की सिविक का मुझे ओनर बना सकता है? ये प्रैक्टिकल लाइफ है सर, ऐसा ही होता है। मालिक मैं असल में 1.5 मिलियन का हूं पर 2.5 मिलियन की गाड़ी पे बैठा हूंगा, ऐसा नहीं होता सर। सो दिस इज प्रैक्टिकल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल, कोई इसमें गप नहीं है, राइट सर? यहां तक ठीक है।
अब सर प्लीज, इक्विटी जो है इट इज इक्वल टू द ओरिजिनल कैपिटल, राइट? It is the capital. It is the name of capital. Secondly, it is the same, whatever the transaction. Whatever till the time. दो चीजें हैं जो इसके साथ हरकत करेंगी. वो कौन सी दो चीजें हैं? इसको बढ़ा सकती है रेवेन्यू, इसको घटा सकता है एक्सपेंस, खर्चा. और कोई चीज, या आप और पैसा जेब से डाल दें, या बिजनेस से पैसा निकाल लें. देखिए, एक्विटी बढ़ सकती है अगर मैं पैसा बिजनेस में डाल दूं, एक्विटी घट सकती है अगर मैं कारोबार से पैसा निकाल लूं, एक्विटी बढ़ सकती है अगर नफा हो जाए, एक्विटी घट सकती है अगर नुकसान हो जाए. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं. लायबिलिटी पे करेंगे तो इक्विटी कम होगी. सर, लायबिलिटी पे करेंगे तो कैश कम होगी, एक्विटी कैसे कम होगी? अभी पे करते हैं सर, अभी अभी दो लम्हे के लिए मुझे दें, दो स्टेप और लेने दें, अभी लायबिलिटी पे करता हूं, दो स्टेप्स मुझे लेने दें सर प्लीज. सर, अगर एक स्टेप फर्दर जाए और लैंड को सेल कर दे तो वो 50,000 लायबिलिटी वो पे हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा कि वो. मुझे दो स्टेप और लेने थे, मैं दो स्टेप में घुमा के करता हूँ ताकि और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए. सर प्लीज, नहीं सर, ऐसी कोई चीज नहीं है. और इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए, यानी तीन लेक्चर्स के लिए सर. फाइनेंस पे आएंगे तो बड़े मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कहानियां सुना दूंगा, अभी नहीं सर. ओके सर, अब यहां देखिए, मैं कहता हूं कि सर इस पे एक छोटा सा प्री फैब्रिकेटेड ऑफिस भी बना देता हूं. बना बनाया ऑफिस पकड़ा सर, उस पर जड़ दिया, कंटेनर सा नहीं लोगों ने बनाया होता, प्री फैब्रिकेटेड. मैंने कितने का कर लें सर? 1,00,000 का वो कर लिया, फुल फ्लेज ऑफिस है वो, 1,00,000 का ऑफिस लगा दिया. अब कोई उधार नहीं ले रहा क्योंकि उधार पे बहुत खिंचाई होती है मेरी, राइट जी? सो लेट अस पे दैट ऑल इन कैश. क्या हुआ सर? कैश में सारे के सारे पैसे दे दिए, 9,50,000 कैश था, अब कितना रह जाएगा सर? सो कैश मेरा सर 850,000 रह गया. लैंड सर मेरे पास कोई 100,000 कैश सर. अब मेरे पास ऑफिस भी आ गया, प्री फैब्रिकेटेड ऑफिस. नाम मैंने उसका ऑफिस ही कहना है सर, कुछ और आपको नाम पसंद है वो लिख देता हूं, प्री फैब ऑफिस लिख देता हूं, ऑफिस लिख देता हूं, प्लस ऑफिस, वो भी 100,000 कैश है. आप मुझे बताइए, लायबिलिटी में कोई कमी हुई सर? कोई कमी नहीं हुई सर. एक्विटी में कोई कमी हुई सर? कोई कमी नहीं हुई. बेसिकली एक एसेट ने अपनी शक्ल बदल के दूसरी एसेट की शक्ल में ले गया, ऐसा ही है सर. कैश के एसेट ने अपनी शक्ल बदल के प्री फैब्रिकेटेड ऑफिस कर लिया है, नथिंग एल्स, और कोई फैक्ट नहीं पड़ा सर. अब सर आप जो कह रहे थे, अब पेमेंट कर जी सर. एक्चुअली एसेट वो होता है जो आपको प्रॉफिट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जरूरी नहीं वो जाती तौर पर प्रॉफिट दे. लेकिन अब ऑफिस है तो इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी, जमीन की तो बढ़ती है मानता हूं, लेकिन ऑफिस की घटती है सर. वो अगर डेप्रिसिएशन के कांसेप्ट पे ना जाएं अभी जरा, नहीं तो अभी ये एसेट नहीं हुआ ना, ये एसेट ही है क्योंकि इसकी भी डेप्रिसिएशन है. प्री फैब्रिकेटेड ऑफिस सारी लाइफ के लिए तो नहीं होगा, जिसकी लिमिटेड लाइफ है वो लाइफ इकोनॉमिक रिसोर्स को आप कंज्यूम कर रहे हैं, जब कंज्यूम कर रहे हैं तो डिप्रिशिएट करना पड़ेगा. पर उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, उनके लिए वो कॉन्सेप्ट कंज्यूमेबल नहीं रहेगा. जब मैं रेवेन्यू और एक्सपेंस की बात करूंगा, मैं बड़ी डिटेल से इस पर बात कर लूंगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए उसको रोकते हैं. अब जी अगला स्टेप करते हैं. वो मेरा दोस्त जिसने मुझे 50,000 का मेरे पे एतबार किया था, वो आ गया, कहता है यार जब तुम्हें जरूरत थी मैंने एतबार किया, 50,000 ना दे, मुझे जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी हो गई है, 25,000 दे दे. आप क्या करते हैं ऐसे लोगों के साथ जिसने आपकी मदद की हो, आप उसको मदद करते हैं? आपके पास कैश तो पड़ा था, आप बस देना नहीं चाह रहे थे, आपने कहा कोई बात नहीं. अब देखिए क्या हुआ, कैश में से 25,000 आपने सारे पैसे नहीं दिए सर, सिर्फ 25,000 आपने पे कर दिए, 825,000 आपके पास रह गया सर. लैंड की वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा सर? नो सर, लैंड लाख रुपए की रही, लैंड की मार्केट वैल्यू में कोई फर्क पड़ा? ऑब्जेक्टिव एविडेंस में कोई फर्क पड़ा? ना सर, नथिंग. लैंड 100,000 की रही, ऑफिस भी 100,000 का 100,000 रहा, फिर फर्क क्या पड़ा? लायबिलिटी 50,000 से कम हो के सर 25,000 की रह गई, एक्विटी भी उतने की उतनी ही रही, 1,000,000 की. देख लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन पे अगर आप गौर करेंगे ना, आप एक 3 ट्रांजेक्शन हो गई या 4 ट्रांजेक्शन हो गई, आपको एक चीज नजर आनी शुरू होगी. जब कोई एसेट आता है तो या ये दूसरा एसेट कम हो जाता है, जब कोई एसेट आता है तो या दूसरा एसेट कम होगा या लायबिलिटी बढ़ जाएगी. बैलेंस करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन ने अपने आप को बैलेंस करना है. इसे इक्वेशन कहते क्यों है? क्योंकि अपने आप को इक्वेट करती है, इक्वल रखती है. अगर इक्वल नहीं रख सकेगी तो सर आप इसे इक्वेशन कैसे कहेंगे? इसे इक्वेशन कहने का रीजन ही है क्योंकि ये अपने आप को इक्वेट कर रही है, बराबरी की सटा पे कर रही है. सो नया एसेट आएगा तो पुराना काम हो जाएगा,
और अगर नया एसेट, अगर पुराना काम नहीं होगा तो ऑब्लिगेशन बढ़ेगी, इट इज फॉर श्योर। मैंने 2.5 मिलियन की सिविक ली, पुराना एसेट मेरे पास 15 लाख कैश पड़ा था, खत्म हो गया और बाकी की लायबिलिटी आ गई। ऐसा ही हुआ ना सर, बाकी की 10 लाख की लायबिलिटी आ गई। सर ऑफिस पर डिप्रिसिएशन भी पड़ेगी? सर पड़ेगी, पर सर डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आगे चल के बात करते हैं, आगे चल के बात करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपसे 3 एसेट्स की चीजें बताई हैं सर मैंने आपको, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड एक्विटी। मैंने आपको रेवेन्यू और एक्सपेंस को डिफाइन ही नहीं किया। सो समझिए कि हमारी हमारी यूनिवर्स में इस वक्त रेवेन्यू और एक्सपेंस नहीं है फॉर सम टाइम। ब्रेक के बाद हम रेवेन्यू और एक्सपेंस को डिस्कस कर लेंगे। मुझे सिर्फ 2-3 ट्रांजेक्शन और करने दें, ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, अगला स्टेप करते हैं, ऑफिस फर्नीचर लेना पड़ गया। सर सर प्लीज सर, मार्केट वैल्यू कुछ और। सर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, आपने लाहौर लेकर तशरीफ लेकर जाना हुआ कभी, पैकेजेस देखी आपने, पैकेजेस जो लाहौर में डिफेंस के साथ है, या अगर लोकल जुबान में कहे तो कैंची के ऊपर है, वॉल्टन रोड पे कैंची के ऊपर, कैंची उस जगह को कहते हैं। उस जगह की वो पैकेजेस की जो लैंड है उसकी बुक्स में वैल्यू, एक वैल्यू होती है जो बुक्स में होती है हिस्टोरिकल वैल्यू, वो हिस्टोरिकल वैल्यू तो सर 1 मिलियन भी नहीं होगी। मुझे 1 मिलियन की नहीं, 100 मिलियन की दिला दे मुझे। कोहिनूर सिटी फैसलाबाद, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की जगह पे फैसलाबाद की बनी है, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू 5 मिलियन भी नहीं थी। आप कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स रावलपिंडी जाइए, I-14 आधा उनके पास, I-15 है कि I-14, वो एक पूरा सेक्टर है इस्लामाबाद का उनके पास। जब आप उनके लेजर खोल के देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सैकड़ों कनाल जगह 10 लाख की भी नहीं है। खोल के देखिए, एक चीज है जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, एक चीज है तो मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू इज समथिंग एस हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो मार्केट वैल्यू की बेस पे वैल्यू हो रही होती है। अमेज़न, मैंने आपको कहा कि आज उसका मालिक तीसरा अमीर आदमी हो गया है। एलन मस्क जो कि टेस्ला वाला, टेस्ला, स्पेसएक्स, बहुत सारे उसके नाम है, वो बिलियनर्स में शामिल है। सर उनके पास जो मार्केट वैल्यू है चीजों की वो कुछ और है, और अगर उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू देखेंगे कुछ और है। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, दुनिया का अमीर तरीन आदमी, सर उसकी इमारत को अगर आप मार्केट वैल्यू कॉस्ट के हिसाब से देखना शुरू करेंगे तो कुछ कंप्यूटर नजर आएंगे, कुछ हार्ड डिस्क नजर आएंगी, और कुछ भी नहीं नजर आएगा। उनकी मार्केट वैल्यू है सर, उनकी वैल्यू ऐसा कुछ भी नहीं है। अग्रीड ना सर? राइट सर, सर प्लीज सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। उसकी बेसिक्स कहां से होती है? ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल से। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है ये तमाम चीजें इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इतनी मोटी एक बुक है, अगर आप कहेंगे मैं अवेलेबल कर दूंगा, उसका पहला चैप्टर है जिसे कहते हैं आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। ये सारी चीजें कंसेप्चुअल, वो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कर दूंगा आपको, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग डिक्टेट करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल बताते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? एवरी एसेट हैज टू बी रिपोर्टेड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। And why? Because there is an objective evidence for the historical cost. Market value की कोई objective evidence है सर? कोई नहीं सर, historical cost की objective evidence है। लिखत पढ़त हुई हुई है। Market value मैं कहता हूँ 10 लाख दे दूँ, वो कहता है 5 लाख दे दो, वो कहता है 2 लाख। Market value, कुछ चीजें liquid ऐसी होती है जिनकी market value की बुकत है, पर वो बाद में बात करेंगे। जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं उसमें किसी की हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात है सर, ये सब हिस्टोरिकल कॉस्ट है सर। हो सकता है मार्केट वैल्यू भी चेंज होगी। I am least bothered about the market value. जो आप कह रहे हैं शेयर्स की वैल्यू, मार्केट में शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से चल रही होती है। अकाउंटेंट सारी चीजें हिस्टोरिकल कॉस्ट के मुताबिक लिख रहा होता है। सो देर इज वन थिंग विच इज बुक वैल्यू, जो बुक्स में आ रही होती है, एंड देर इज वन थिंग विच इज नोन एज मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में रिपोर्ट हो रही होती है। हम कॉम्प्लेक्स बातें शुरू कर देंगे इसलिए इसे यहीं रोकते हैं, इस बिल्कुल बेसिक बात पे आते हैं। ये बेसिक चीज सीधी कर लेंगे तो कॉम्प्लेक्स बातें भी हम बड़ी आराम से डिस्कस कर सकेंगे। राइट सर? ओके सर। सर बिजनेस की वैल्यू क्या है? सर इस वक्त बिजनेस की हिस्टोरिकल कॉस्ट है, और बिजनेस की दो तरह की वैल्यू है। एक आप उसकी कह रहे हैं ग्रॉस वैल्यू, जो उसके तमाम एसेट्स की वैल्यू है। अगर तमाम एसेट्स की वैल्यू देखें तो 10,25,000 है। और एक बिजनेस की नेट वैल्यू है। नेट बिजनेस की वैल्यू क्या होती है? किसी भी बिजनेस की नेट वैल्यू होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, विच इज स्टॉक होल्डर्स एक्विटी। और स्टॉक होल्डर्स एक्विटी देख लीजिए 1 मिलियन है। आप बेशक तमाम एसेट्स में से लायबिलिटीज निकाल के देख लीजिए तो सेम अमाउंट आएगी। सो बिजनेस की वैल्यू 2-3 तरह से होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है।
हिस्टोरिकल कॉस्ट है, बुक वैल्यू है, बिजनेस में मार्केट वैल्यू है, उसमें उसमें उसकी सेल करते हुए, सेल भी कई तरह की हो सकती है, यानी लिक्विडेशन वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू भी दो तरह की हो सकती है, एक फोर्स्ड लिक्विडेशन और प्लान्ड लिक्विडेशन। सो मैं उन वैल्यूएशन में जा ही नहीं रहा। वैल्यूएशन तो एक वो कॉन्सेप्ट है जो मैंने कोर्स आउटलाइन भी पढ़ के आपको बताई थी, तो 10वें या 11वें लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। अभी वैल्यूएशन की बात ना करें, अभी तो बेसिक बात करें कि अकाउंटेंट, वो जो आपकी कंपनी में अकाउंटेंट काम करता है, वो चीजें रिपोर्ट कैसे करता है, उसके बाद आगे बात करेंगे कि वैल्यूएशन कैसे होती है, फाइनेंशियल मैनेजर उस पर डिसीजन मेकिंग कैसे करता है, दैट इज लेटर ऑन। राइट सर, अब आगे आते हैं सर, अब आगे आते हैं सर, हम कुछ ऑफिस इक्विपमेंट ले लेते हैं, ऑफिस में रखने की कोई चेयर, कोई कंप्यूटर, कोई उसे ऑफिस इक्विपमेंट कह दीजिए, कितने का ले लूं सर? 25,000 उधार पे लूं, कैश पे लूं सर? फिर कैश पे ले लिया सर, उधार कर लें सर, कैश खरीदने को दिल नहीं करता, शेख बचाऊं। ओके जी, सो कैश 825,000, लैंड वही 100,000, ऑफिस वही 100,000 प्लस ऑफिस इक्विपमेंट, उसमें कुर्सियां भी ले ली, मेज भी ले ली, अज्यूम कीजिए लम सम में उठा लिया 25,000। अब ये लायबिलिटी, लायबिलिटीज की भी दो तीन किस्में होती हैं मेन मेन, एक को आप कहते हैं अकाउंट्स पेबल, एक को आप कहते हैं नोट्स पेबल। फर्क क्या है? अकाउंट्स पेबल उन लायबिलिटीज को कहते हैं जिसमें जुबानी आप किसी से उधार करते हैं, नोट्स पेबल आप उन लायबिलिटीज को कहते हैं जिसमें लिख के उधार करते हैं। एक हो गया स्टाम्प कर लें, किसी भी तरह एग्रीमेंट कर लें, सादे कागज पे एग्रीमेंट भी लीगल लैंग्वेज में एग्रीमेंट होता है, स्टाम्प करें या ना करें आपको सू किया जा सकता है, आपके क्रिमिनल मुकदमा हो सकता है, इसलिए लीगल लैंग्वेज में अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की लैंग्वेज लीगल लैंग्वेज होती है, लीगल लैंग्वेज में वो उतना ही बाइंडिंग है जितना स्टाम्प पे किया हुआ बाइंडिंग है वो भी आप पे। सो अज्यूम कीजिए कि पहली जो लायबिलिटी थी वो लिख के की थी, नोट पेबल था, और ये जो अब उधार लिया है ये जुबानी लिया है। कारोबार में आम उधार जुबानी होते हैं, लिखत पढ़त नहीं होती। आप देखें वो डबल रोटी वाले को, वो जो कॉर्नर शॉप होती है मोहल्ले की, उसमें डॉन वाला उसको ब्रेड देकर चला जाता है, पिछली दिन की ब्रेड के पैसे लेता है, अगली के छोड़ जाता है। डालडा वाला घी देकर चला जाता है, पिछले हफ्ते के पैसे लेता है, अगली के छोड़ जाता है। ऐसे ही है ना सर, उसके वो उसके कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करते, जुबानी अकाउंट्स पेबल। सो अज्यूम कीजिए मैंने ऑफिस फर्नीचर जुबानी उधार पे ले लिया, सो मैं उसे क्या कहूंगा, पहला नोट पेबल 25,000 उसी तरह का उसी तरह रहा, प्लस अकाउंट पेबल फिर 25,000 बन गया, प्लस ओनर्स इक्विटी। यहां तक ट्रांजेक्शन की सर, अकाउंट पेबल में ऑब्जेक्टिव एविडेंस लायबिलिटी की क्या है कि एसेट आपको आया, ऑब्जेक्टिव एविडेंस है ना, ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या है कि मैंने रिसीव किया है, गुड रिसीट नोट, अगर आप अकाउंटिंग की टर्म में चले जाएं तो गुड रिसीट नोट बना होगा, अगले ने वो नोट साइन कराया होगा तुझे डिलीवर किया है, हाँ ये एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा, इसके इतने पैसे बनते हैं, वो स्टैंडर्ड है हम सबको पता है। कारोबार में जो रूटीन में चीज हो रही होती है, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप मैकडोनल्ड पे जाते हैं तो आपको डॉन, वो जो आपको बर्गर मिलता है वो डॉन का, डॉन क्या है बर्गर, वो जो पैटी मिलती है वो केएनएन देती है, वो रूटीन में उन्हें चीजें दे जाते हैं, वो सिर्फ गुड रिसीट नोट साइन कराते हैं, पैसे नहीं साइन कराते, एग्रीमेंट नहीं हो साइन करते उसमें, वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, 100 पैटीज आई उसके पैसे इतने दिन के बाद आ जाएंगे, बिल भेज देना, इसे अकाउंट पेबल कहते हैं। जब आप लिख के कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, ये पर्टिकुलर चीज दे रहा हूं इसका इतना उधार है, उसे नोट पेबल कहते हैं। या आप किसी को चेक भी दे देते हैं ना कि हाँ यार इस टाइम ये भी नोट पेबल है, इन राइटिंग हो गया। जो चीज रूटीन में कारोबार में साथ साथ हो रही होती है वो अकाउंट पेबल है। मैं टर्म्स से स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, पहली दफा में नहीं बताया था। ओके सर, इन ट्रांजेक्शन को यहां तक रोकते हैं। एक आखिरी चीज ब्रेक लेने से पहले, मैंने कहा था अकाउंटिंग में दो चीजें आप याद रखनी है आपने, पहली चीज अकाउंटिंग इक्वेशन है, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, दो साइड्स हैं उसकी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, हर चीज अपने आप को इक्वल फॉर्म में रखेगी, तीन उसके इकोनॉमिक, तीन उसके यूनिट्स हैं, कौन कौन से, एसेट्स लायबिलिटीज इक्विटी, तीनों डिफाइन कर दिए। दूसरी चीज जो अकाउंटिंग में याद रखने वाली है सर, ये लेजर है, लेजर है। By definition और ledger की simplest form क्या है, ये T. By definition left side of T account is debit and right side of T account is credit. This is by definition. कह दिया गया, accountants ने define कर दिया, क्या define किया, left side of T account is debit, राइट साइड इज क्रेडिट। अब ये शुरू में डेफिनेशन हो गई, जैसे इस हाथ को मैं लेफ्ट कहता हूं इसको राइट कहता हूं, अगर किसी जमाने में अगर अंग्रेजी मैंने याद की होती और इसे राइट और इसे लेफ्ट कह देता तो आज यही राइट होता और ये लेफ्ट होता, ऐसे ही है ना सर।
क्रिकेट में छक्का बाउंड्री पार होने पे होता है, अगर कैच होने पे छक्का होता तो आज क्रिकेट में हम छक्के कैच करने पे आ रहे होते, रूल है ना सर। इसी तरह अकाउंटिंग प्रैक्टिस बेस्ड है साइंस, इसमें रूल बन गया। वो रूल क्या है, लेजर अकाउंट की लेफ्ट साइड, लेजर की बेसिक शक्ल क्या है, ये एक टी बना दिया, उसकी लेफ्ट साइड को डेबिट कह दिया, राइट साइड को क्रेडिट कर दिया। बेसिकली अकाउंटिंग एज अ साइंस डेवलप की मैथमेटिशियंस ने, और मैथमेटिशियंस के उस ग्रुप ने इजाद की जो अपने भाइयों से नाराज था। सो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में प्लस माइनस करते थे, उसने कहा ये तो मेरा सौतेला भाई है वो प्लस माइनस करता है, मैं तो नहीं करूंगा। सो उसने एक नई चीज इजाद की, डेबिट और क्रेडिट। अकाउंटेंट्स कभी आप देखें, आप बैंक में पैसे जमा कराने जाएं, वो कभी नहीं कहेगा आपके अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए, वो कहेगा सर आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। आप उसे चेक देंगे, कहेंगे इसके बाद बैलेंस क्या है, कहेगा चेक डेबिट करके बैलेंस किया है, वो कभी नहीं कहेगा चेक माइनस करके। आप कहेंगे चेक माइनस करके बता बैलेंस, वो कहेगा चेक डेबिट करके। उन्हें प्लस माइनस नहीं आता, उन्हें डेबिट क्रेडिट आता है। वो क्या होता है डेबिट क्रेडिट, हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है कि लेफ्ट साइड ऑफ टी अकाउंट इज डेबिट एंड राइट साइड ऑफ टी अकाउंट इज क्रेडिट। गुड सर, लेट अस टेक अ ब्रेक। कितने मिनट सर, 15-20। मैंने एसेट को डिफाइन क्या किया, आप उस डेफिनेशन को लेकर चलें, फिर आप मुझे बताएं क्या उस डेफिनेशन के अलावा कहीं मैं रिपोर्ट कर सकता हूं। मैंने कहा एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच कैन प्रोवाइड यू बेनिफिट इन योर फ्यूचर, इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच प्रोवाइड यू बेनिफिट इन दी फ्यूचर। अब मुझे ये बताइए, लैंड इज इकोनॉमिक रिसोर्स इजंट इट, ऑफिस इज इकोनॉमिक रिसोर्स विच वुड प्रोवाइड मी बेनिफिट इन दी फ्यूचर, अग्रीड। इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट इज इकोनॉमिक रिसोर्स विच इज गोइंग टू प्रोवाइड मी बेनिफिट इन द फ्यूचर। यहां तक तो आपको कोई एतराज नहीं है, इनमें से कोई चीज भी वो नहीं है जो के इकोनॉमिक रिसोर्स ना हो। हाँ, अगर मैं कोक पी के आऊं तो कोक इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, वो कंज्यूम हो गया। खाना खा लूं तो वो कंज्यूम हो गया, ये चीज कंज्यूम नहीं हुई इसलिए ये एक्सपेंस नहीं है। जो चीज कंज्यूम हो जाती है वो एक्सपेंस है, जो एसेट नजर आता है पास होता है कंज्यूम नहीं होता वो एसेट बनता है, ठीक है। जिसने फ्यूचर में कंज्यूम होना है वो एसेट है, इसको हम कहते हैं एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑल दोज एक्सपेंसेस विच प्रोवाइड यू बेनिफिट फॉर वन और मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आर एसेट्स। अब दूसरी तरह से डिफाइन कर रहा हूं, जो एक साल या उससे ज्यादा तक बेनिफिट देते हैं वो एसेट बनते हैं, जो एक साल से कम करते हैं उनके साथ और सलूक करते हैं, ठीक है। तो ये सारे एसेट की डेफिनेशन में आ रहे हैं, राइट सर। सर कोई इशू नहीं यहां तक, कैन वी मूव अहेड, ओके ग्रेट। सो लेट अस मूव अहेड जी। आप देखिए, हमने अभी तक लेजर की बेसिक बात की, लेजर को डिफाइन किया और हमने ये अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन लिखी। अगर आप बात देखें तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग की ये इंफॉर्मेशन लिखने का क्या फायदा हुआ कि मुझे पता चल गया कि मेरा इन तमाम ट्रांजैक्शन के बाद कैश कितना है। मैंने कहा था एक अच्छे मैनेजर को अपने कारोबार के एक एक एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना सर, उसकी तमाम लायबिलिटीज उसे पता होनी चाहिए और उसकी इक्विटी कारोबार में क्या है ये पता होनी चाहिए। अगर आप देखें इस स्टेप से, यानी रादर इस स्टेप से जो कि मेरा स्टेप वन था, उससे मैं इस स्टेप तक आया, मैंने तमाम स्टेप्स लिए और मुझको पता चल गया इन स्टेप्स के बाद भी इंफॉर्मेशन मैंने इस तरह कुलेट की है, इस तरह रिपोर्ट की है कि आज मेरा कैश कितना है, आज मेरे पास कौन कौन से एसेट्स हैं, उनकी वर्थ क्या है, मेरी लायबिलिटी क्या है और मेरे एसेट्स क्या है, इक्विटी क्या है। अग्रीड सर। अच्छा, अब ये तो एक इस फॉर्म में हमने किया, इस फॉर्म को ये एक बिल्कुल लेमैन टर्म में बात की है हमने, इस फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं आपको कह रहा था बाज लोग इसे इस तरह करते हैं कि एक कागज के टुकड़े पे अपनी तमाम चीजों का हिसाब रख लेते हैं। मैं 2-3 दफा रिपीट करूंगा इसी काम को। सो ये सारा काम जो मैंने किया है इसे एक और तरीके से करता हूं। अज्यूम कीजिए मैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में ना चलता, मुझे पता है मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, पर अकाउंटिंग इक्वेशन हर स्टेप के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना इज ए डिफिकल्ट जॉब, इजंट इट। आप देखिए, ये अभी 2 या 3 एसेट्स हैं मेरे पास और हर दफा उसका नाम लिखना पड़ता है, इट्स अ कंबरसम जॉब, इजंट इट। सो सम पीपल व्हाट दे डू, दे मेक लेजर्स, लेजर बना लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, लेजर किस तरह बनते हैं, मैं एक लेजर सा बना के बताता हूं। वो लेजर अभी फॉर्मल फॉर्म ऑफ लेजर नहीं, लेजर से मुराद क्या है, एक कागज का टुकड़ा। लेजर बेसिकली डिफाइन ही कैसे हुआ था, लेजर एक लेजर पेज कहते हैं। लेजर पेज क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा जिसपे एक एसेट, एक लायबिलिटी या एक ओनर इक्विटी का कंप्लीट हिसाब होता है।
यानी कैश का एक लेजर होगा, अकाउंट पेबल का अलग लेजर होगा, अकाउंट रिसीवेबल का अलग लेजर होगा, लैंड का अलग लेजर होगा। अज्यूम कीजिए हमने जब काम शुरू किया तो हमारे पास लेजर थे, लेजर की वो फॉर्मल फॉर्म नहीं जो मैंने आपको दिखाई है, कागज के टुकड़े थे जिसपे हमने हिसाब लिखा था। मैं कागज के वो टुकड़े बनाता हूं, से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी मैं इन चीजों में काम करूंगा, मैं कैश का हिसाब रखूंगा। अब देखिए वो क्या क्या चीजें मेरे पास है, फाइनली कैश, लैंड, ऑफिस, ऑफिस, ऑफिस बिल्डिंग या ऑफिस, ऑफिस इक्विपमेंट, और क्या है जी मेरे पास, नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, और फाइनली शेयर होल्डर्स इक्विटी, ओनर, सॉरी जी एक ही बात है, ओनर्स इक्विटी या शेयर। मैंने कागज के पीस ले लिए जिसपे हिसाब, एक एक कागज अलहदा अलहदा, लाइबिलिटीज है सर, नोट्स पेएबल लाइबिलिटी की एक फॉर्म, अकाउंट पेएबल एक फॉर्म, मैंने एक लाइबिलिटीज का पेज लेने की बजाय अलहदा अलहदा कर लिया। अभी इसे जो फॉर्मल अकाउंटिंग का तरीका है उसमें नहीं लेकर चल रहा, आज जब मैं क्लोज करूंगा हर चीज फॉर्मल हो चुकी होगी, अभी मैं नहीं कर रहा। अभी मैं कह रहा हूं कि एक आम लेमैन इसका किस तरह हिसाब रखे, अगर आप उसे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम समझाएं तो उसे यह बात समझ आ जाएगी कि जब कोई चीज आएगी तो उसको भी लिखूंगा और जहां से आई है उसको भी लिखूंगा, यानी सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूजेज ऑफ फंड्स, सोर्स भी लिखूंगा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का सोर्स कहां था ये, और यूज भी लिखूंगा वो यूज कहां हुई, चीज कहां से यूज हुई है, किधर यूज हुई है, और वो पैसा कहां से आया, दोनों चीजें लिखनी है, ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है। अग्रीड सर, क्लियर, ओके, लेट अस मूव, दोबारा से बात शुरू करते हैं। यही तमाम ट्रांजेक्शन जो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म में लिखी है, अज्यूम कीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्म में लिखना चूंकि बहुत कंबरसम है, हम इसमें ना लिखते, हमने अलहदा अलहदा पेजेस पे इन तमाम चीजों को लिखा होता कि मैं हिसाब अलहदा अलहदा पेजेस पे लिखूंगा, एक रजिस्टर लिया उसके अलहदा अलहदा पेज पे नाम लिख लिया, ये कैश का हिसाब है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या थी, मैंने 1 मिलियन रुपया कैश इकट्ठा किया था अपनी एक्विटी के नाम पे, ऐसा ही है सर। अगर ट्रांजेक्शन देखें तो क्या हुआ, इस ट्रांजेक्शन की दो साइड्स हैं, 1 मिलियन रुपया कैश आया, कहां से आया, एक्विटी से आया, ऐसा ही है ना सर। अगर ये पहली ट्रांजेक्शन देखें तो यही बताती है ना, 1 मिलियन कैश आया, कहां से आया, एक्विटी से आया। सो अगर मैं पेज फॉर्म में लिखूं तो आप देखिए 1 मिलियन यहां लिख दो और 1 मिलियन ओनर्स एक्विटी के नीचे लिख दो, अग्रीड सर, यहां तक तो कोई एतराज नहीं है। अभी लेफ्ट राइट नहीं, अभी क्यों मैं अभी लेफ्ट राइट पे लेकर जाऊंगा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, पहले उन्हें सिर्फ पेज की फॉर्म में लेकर जाऊंगा और उसके बाद लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है जी। अज्यूम कीजिए आम हालात में जब आप हिसाब करते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, लोग लिखते हैं इस तरह कि अपनी एक चीज का हिसाब रख दिया, ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर ऐड करते गए, करते नहीं आप, मेरे पास ये फर्नीचर है, मेरे पास खवातीन हिसाब रखती है, मेरे पास ये जेवर है, आप हिसाब रखते हैं, मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेरे पास इस तरह की डिस्क पड़ी हुई है, एक पेज पे लिख लेते हैं ये हार्ड डिस्क है, तो एक किस्म का लेजर बना लेते हैं आप, एक आम बंदा इस तरह कर सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या किया था, लैंड लिया था सर, 1 लाख रुपए का लैंड लिया था जिसके 50,000 आपने कैश दिए थे और 50,000 का आपने नोट साइन करके दिया था, उधार लिख के किया था, ऐसा ही है सर ट्रांजेक्शन। अब सारी चीजें मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, सिर्फ उस ट्रांजेक्शन को, और यही अकाउंटेंट करता है, सिर्फ उस ट्रांजेक्शन को देखता है, तमाम चीजों को नहीं देखता, सिर्फ उस ट्रांजेक्शन को देखता है। अब ट्रांजेक्शन क्या हुई, मैंने 1 लाख का लैंड लिया, इकोनॉमिक रिसोर्स आया, क्या आया जी इकोनॉमिक रिसोर्स आया, 100,000 का लैंड, और जब ये इकोनॉमिक रिसोर्स आया तो ये पैसा कहां से आया, 50,000 कैश पे चला गया, ऐसा ही है सर। इसका मतलब है 50,000 कैश से माइनस हो गया, जब कैश से माइनस हो जाता है तो आप देखें कैश का बैलेंस नया कितना हो जाएगा, 950,000, अग्री, और 50,000 से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब मैं सिर्फ ट्रांजेक्शन को लिख रहा हूं, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, कैश कम हो गया, और क्या किया उसने, 1 लाख आया था, उस 1 लाख का सोर्स बताया, उससे वही बातें तमाम कर रहा हूं, तरीकाकार करने का मुख्तलिफ होगा, वही बातें, 1 लाख का लैंड आया, 50,000 मैंने कैश दिया, सो कैश रिड्यूस हो गया, और 50,000 मैंने अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर लिया, इस तरह मैंने फाइनेंसिंग की है। आगे चले, तीसरा स्टेप क्या था सर, हमने ऑफिस खरीदा था, 100,000 का ऑफिस लिया और सारे का सारा कैश पे लिया, ऐसा ही है सर, ऑफिस लिया,
100,000. ये ऑफिस कहां से लिया? 100,000 आपने कैश पेमेंट की, बाकी बैलेंस बचा 150,000. ऐसे ही है जी, सिंपल सिंपल हिसाब रखने का तरीका है. मैं रनिंग बैलेंस बना रहा हूं, आप बेशक सिर्फ माइनस करते जाएं, कोई इशू नहीं. मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आम लोग इस तरह हिसाब रखते हैं. अग्रीड सर? ओके. तीसरा स्टेप फिर क्या हुआ सर? ऑफिस इक्विपमेंट लिया था सर, सॉरी हमने लायबिलिटी पे ऑफ की थी सर. नोट पेबल जिसने मुझे उधार दिया हुआ था उसने कहा यार 25,000 दे दे. अब सिर्फ वो ट्रांजेक्शन लिखूंगा जो हुई है. ट्रांजेक्शन क्या हुई है? 25,000 की लायबिलिटी कम हुई है. कैसे कम हुई है? पहले बात लायबिलिटी कम हुई है, इसका मतलब है 25,000 लायबिलिटी में से लेस हुआ है. ये आम बंदा इस तरह हिसाब रखता है. अकाउंटेंट को प्लस माइनस करना नहीं आता, वो डेबिट क्रेडिट करता है. हम अकाउंटेंट के तरीके तक नहीं पहुंचे. हम कह रहे हैं आम बंदा इस तरह काम करता है. वो कहता है यार मेरी लायबिलिटी 50,000 थी खाते में, वो खाते में से 50,000 में से 25 निकाल दो, अब बचा बाकी 25,000. जो 25 निकाल दो वो कैसे लायबिलिटी दूंगा? कैश से दूंगा ना सर. सो अगर लायबिलिटी रिड्यूस हुई है तो 25,000 से कैश भी रिड्यूस हुआ है. ऐसे ही है सर, 8,25,000 का बैलेंस हो गया. ठीक है सर. अब वो एक एक ट्रांजेक्शन, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन लिखता हूं और कुछ नहीं लिखता. फाइनली क्या हुआ सर? ऑफिस इक्विपमेंट लिया. कितने का लिया सर ऑफिस इक्विपमेंट? 25,000 का लिया, और सारे का सारा उधार पे लिया. कौन सा उधार? अकाउंट पेबल. ऑफिस इक्विपमेंट पहले नहीं था, अब एड हो गया. और ये ऑफिस इक्विपमेंट कहां से आया? उधार से आया, 25,000 का अकाउंट. ऐसे ही है सर. अगर इस वक्त आपके अकाउंटेंट से मैनेजर पूछे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो क्या वो अकाउंटिंग इक्वेशन बना सकता है? अभी बना के बताता हूं. वही अकाउंटिंग इक्वेशन जो यहां इतने स्टेप्स में बनी थी वो बनेगी. किस तरह? अकाउंटिंग क्या कहती है? आपने एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स एक्विटी लिखना है. तमाम एसेट्स के नाम लिखते हैं जिस जिसका लेजर है आपके पास. कैश एसेट है, लैंड एसेट है, ऑफिस एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है. इज इक्वल टू लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं? नोट पेबल प्लस अकाउंट पेबल. और एक्विटी, ओनर्स एक्विटी, मुबशर्स एक्विटी, जो मर्जी उसे कह लीजिए. अब इन सब का बैलेंस जो इस वक्त, जिस वक्त आप ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं उसका बैलेंस लिख दीजिए. बैलेंस देखिए, कैश का कितना है? 825,000. लैंड का कितना है सर? 100,000. ऑफिस का कितना है जी? 100,000. ऑफिस इक्विपमेंट का कितना है सर? 25,000. नोट पेबल का, वो तमाम बैलेंसेस जो यहां लिखे हुए हैं वो यूज कर रहा हूं. 25,000 अकाउंट पेबल, 25,000 ओनर्स इक्विटी, 1,000,000. आप देखिए जो रिजल्ट उस तरह आया था उसी तरह ये रिजल्ट आ रहा है. बिजनेस मैनेजर के लिए ये इक्वेशन हासिल करना जरूरी है. ये इक्वेशन पहली फॉर्म है बैलेंस शीट की. इस अल्टीमेटली इसी इक्वेशन को बैलेंस शीट कहते हैं. किसी भी कारोबार का फाइनेंशियल मैनेजर, बिजनेस मैनेजर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता जब तक बैलेंस शीट नहीं होती. पाकिस्तान के इकोनॉमिक मैनेजर्स के पास पाकिस्तान की बैलेंस शीट है तो वो डिसीजन मेकिंग करेंगे कि क्या करना है. आपके पास बैलेंस शीट थी टेक्सटाइल उसकी स्टील मिल की तो आप प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे थे. आपने इत्तेसलात की बैलेंस शीट गोल्डमैन सैक्स से बनवाई थी तो वो आप बेचने की बात कर रहे थे. अगर वो बैलेंस शीट ना होती तो इत्तेसलात खरीदने की बात करती? आपके पास बैलेंस शीट नहीं है तो आप कोई डिसीजन नहीं ले सके. टेलीनॉर के पास अपनी बैलेंस शीट थी तो उसने तामीर बैंक खरीदने का सोचा. तामीर बैंक के पास उसकी बैलेंस शीट थी तो उसने बेचा. वारिद के पास अपनी बैलेंस शीट थी तो उसे देख के मोबाइल लिंक ने उसके साथ कंबाइन ऑपरेशंस करने का सोचा. ये सारी बातें हैं ना सर. बैलेंस शीट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पर हर दफा पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन, पूरी बैलेंस शीट के एक एक एसेट में चेंज लिखना पॉसिबल नहीं है. तो अकाउंटेंट्स ने सोचा ये आसान तरीका है, कागज के टुकड़े पे लिख लो. पर फिर मैंने आपको बताया अकाउंटेंट्स ने अपने आप को मैथमेटिशियन से डिस्टिंग्विश करना था. अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? ये अकाउंटिंग इक्वेशन. अल्टीमेट रिजल्ट क्या है सर? ये अकाउंटिंग इक्वेशन. पर अकाउंटिंग इक्वेशन फिर किस फॉर्म में आनी चाहिए? लेजर फॉर्म में. अब लेजर फॉर्म की बात करें, यहां तक क्लियर जी? इक्विपमेंट सर नोट पेबल में भी तो हो सकता है, पर मैं कह रहा था कि ऐसे उधार लिया जुबानी. नोट पेबल में होता तो नोट पेबल को बढ़ाता नहीं था. बिजनेस में मुख्तलिफ चीजें होती है ना, हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है, लाजिम नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है. ठीक है जी. अगर होता तो नोट पेबल को बढ़ा देता. अभी अकाउंट पेबल की फॉर्म में था. अभी एक और स्टेप, अब अकाउंटेंट की लैंग्वेज में आ जाते हैं. अगर अकाउंटेंट होता तो क्या करता?
अल्टीमेट हमारा हासिल क्या है, हर ट्रांजैक्शन को एंड रिजल्ट हमें ये अकाउंटिंग इक्वेशन चाहिए बिजनेस की। जिस वक्त मैं चाहूं उस वक्त बताओ इक्वेशन की फॉर्म क्या है, ये जिसे बिजनेस मैनेजर्स कहते हैं, जिस वक्त मैं चाहूं मुझे अपनी बैलेंस शीट मिल जाए, मैं किधर खड़ा हूं, मेरे एसेट्स क्या है, मेरी लायबिलिटीज क्या है, मेरी इक्विटी क्या है, ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अब इसे प्रोड्यूस करने का पहले तरीका क्या था, मैंने हर अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी की पूरी लिखता रहा, फिर मैंने कहा बड़ा लंबा काम है, मैंने लहदा कागज पे लिख लिया, फिर सिर्फ कागज पे जो वो पर्टिकुलर अकाउंट्स थे उन्हें टच करता था। अब क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूं, उन कागज पे एक लेजर बना दिया, हर कागज को प्लस माइनस नहीं किया, क्या किया ये मैं अब रब कर रहा हूं जी, और यहां लेकर चल रहा हूं उस लेजर को। मैंने क्या किया जी, कागज के टुकड़े पे, जो कागज के वो टुकड़े थे उस पे प्लस माइनस नहीं करना, बेसिकली कागज के टुकड़े वो उसी तरह लिखने, हर कागज के टुकड़े को टी बना दिया। एक हो गया जी कैश, दूसरा हो गया जी लैंड, है कागज का टुकड़ा उसके दो हिस्से कर दिए, ये एक इंडिपेंडेंट कागज का टुकड़ा, ये एक इंडिपेंडेंट कागज का टुकड़ा, कैश लैंड ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट नोट्स पेएबल अकाउंट्स पेएबल ओनर्स इक्विटी या मुबशर्स इक्विटी, कोई मिस तो नहीं कर रहा सर, देखिएगा, आई डोंट थिंक कोई नहीं मिस कर रहा सर, एक दो तीन चार पाँच सात के साथ लेजर इधर में। अब तरीकेकार क्या बनेगा, अकाउंटेंट्स प्लस और माइनस की बात नहीं करते, वो बात क्या करते हैं सर, डेबिट और क्रेडिट। पहली ट्रांजैक्शन, अब मैं अकाउंटेंट की लैंग्वेज में कहूंगा, पहली ट्रांजैक्शन आई, कैश आया 100,000। अब ये मुझे पता है कैश आया 100,000 और कहां से आया सर, एक्विटी से, ओनर्स एक्विटी से। अब क्या करूं, कैश को डेबिट करूं क्रेडिट करूं, ये कंफ्यूजन होगी, यानी मैं ये मुझे पता है लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं, पर इसमें डेबिट कहां है और क्रेडिट कहां है और कैश को कहां लिखूं। अब उसके लिए हमें दोबारा रेफर करना पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन से। अब मैं रूल बना रहा हूं कि इसके साथ क्या करेंगे, मैंने कहा मेरे पास दो चीजें हैं, एक मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, और एक मेरे पास टी अकाउंट है, टी अकाउंट की लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं, डेबिट को डीआर कह देते हैं क्रेडिट को सीआर कह देते हैं, लेफ्ट साइड पे डेबिट। अब रूल क्या बनता है, एसेट्स आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ टी अकाउंट, एसेट्स आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, डेबिट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ टी अकाउंट। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो एसेट्स भी लेफ्ट साइड पे, डेबिट्स भी लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब है, इससे एक रूल ड्रॉ करते हैं अकाउंटेंट्स, इसका मतलब है एसेट्स की मौजूदगी डेबिट है, अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड डेबिट है, अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड एसेट है, टी अकाउंट की लेफ्ट साइड डेबिट है। अब इससे सिमिलैरिटी ड्रॉ की, इसका मतलब यह हुआ एसेट्स आर डेबिट्स। हमारे पास अकाउंटिंग में सिर्फ दो डिफाइंड चीजें हैं, एक को टी अकाउंट का है उसकी लेफ्ट साइड को डेबिट कह दिया, एक को अकाउंटिंग इक्वेशन का है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, अग्रीड। अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड क्या है एसेट, टी अकाउंट की लेफ्ट साइड क्या है डेबिट, तो हमने एक रूल बनाया एसेट्स आर डेबिट्स, एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी अकाउंटिंग इक्वेशन की राइट साइड पे, टी अकाउंट की राइट साइड पे क्या है क्रेडिट, तो लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी को प्रेजेंट किससे किया जाएगा क्रेडिट से, रूल बन गया। एसेट्स को किससे प्रेजेंट किया जाएगा डेबिट से, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी को किससे प्रेजेंट किया जाएगा क्रेडिट से। अब मुझे बताइए, if there is some scientist, and I believe many scientists are sitting over here, engineers are scientists to me, okay, so let me know, light is what do you call andhera, aap kise kehte hain, absence of light, accounting ki universe mein ya debit hai ya credit hai, agar kisi cheez ki maujoodgi ko debit kahenge to uske chale jane ko kya kahenge, iska matlab ye hai ki rule further ban gaya, एसेट्स का आना, एसेट्स का इंक्रीज या उनका हाजिर होना आपने बता दिया डेबिट है, तो आपने खुद ही कहा किसी चीज का आना डेबिट है तो उसके जाने के लिए फिर एक ही वर्ड है क्रेडिट, और आपने ये बताया कि लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी की मौजूदगी को मैंने क्रेडिट कह दिया है, तो उसके जाने को या उसके डिक्रीज को क्या कहूंगा
डेबिट, ये अकाउंटिंग का रूल है जी, जिसपे डेबिट क्रेडिट सारा अकाउंटेंट करते हैं। अब उसकी हम प्रैक्टिस देखेंगे, मैं रिपीट किए देता हूँ बेसिक से, दोबारा से बात करता हूँ। ये हम फाउंडेशंस रख रहे हैं जितनी अकाउंटिंग पढ़नी है उसकी, इसलिए आप 10 दफा रिपीट कराएं सर प्लीज। नहीं यू ना करें, ना, मैं उसमें 10 तरह की एग्जाम्पल दे दूंगा, पेमेंट आएगी तो डेबिट भी होगी, इसलिए उसको एक लम्हे के लिए छोड़ जाएं, कंफ्यूज कर रहे हैं आप। एसेट्स और लायबिलिटीज के हिसाब से रखें, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज के हिसाब से रखें। आप इस टी अकाउंट के हिसाब से चलें, आपके देखें, फिर उस पर हम ट्रांजेक्शन की एग्जाम्पल्स देंगे लेटर ऑन। ये रूल है, उसको इसको उस रूल की रीजनिंग कर दी है, अदरवाइज ये रूल है। अगर मैं आपसे पूछूंगा छिक्का बाउंड्री से उड़ के जाता है तब होता है, जब छिक्का जमीन पे जाता है चलता हुआ तब क्यों नहीं होता, क्या लॉजिक है आपके पास? देखिए जब बाउंड्री पे चलता हुआ गेंद जाता है तो चौका होता है, छिक्का नहीं होता, और उड़ता हुआ जाता है तो छिक्का होता है, क्यों? रूल है। इसी तरह अकाउंटिंग में कुछ लॉज है, उन लॉज से फर्दर लॉज निकलते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स क्या है प्रैक्टिस में बाद में बात करता हूं प्लीज। जी बिल्कुल ऐसा होता है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, जब एक ही टाइम में ऐसे डेबिट और क्रेडिट हो रहा होता है तो मैं एग्जांपल देता हूं। मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता हूं और साथ गाड़ी मेरी स्टार्ट होती है, पेट्रोल कंज्यूम हो रहा होता है, एक ही टाइम में डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है, अग्रीड और नॉट? एसेट का आना तो डेबिट ही रहेगा और एसेट का जाना क्रेडिट ही रहेगा। क्लास से एक लड़का चला गया और एक लड़का आ गया, तो आप ये तो नहीं कहेंगे स्टूडेंट की कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ट्रांजेक्शन हुई है, इफेक्ट नील था। अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेबिट जो है वो जाना है, आना है। एसेट के लिए, लायबिलिटी के लिए क्रेडिट आना है और डेबिट जाना है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज के लिए दोबारा इस रूल पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। अकाउंटिंग की लैंग्वेज के लिए एसेट के साथ कुछ और सलूक है, लायबिलिटी और इक्विटी के साथ कुछ और सलूक है। रीजन क्या है? Assets is on the left side of the accounting equation. Accounting equation क्या कहती है? Assets is equal to liabilities plus owner's equity. T account क्या कहता है? Left side of T account is debit and right side is credit. हमारे पास यही दो formal चीजें हैं। इसके अलावा accounting में principal चीजें जो कोई rules से dictate होती हैं वो ऐसी नहीं है। इन्हीं पे accounting खड़ी है। जब ये दो चीजें हम तो accountants ने कुछ rule बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा debit किसे कहूँ? Left side of T account is debit. लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट। इसका मतलब है टी अकाउंट की लेफ्ट साइड और अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड में कोई रिश्तेदारी है। इसका मतलब है एसेट जहां हाजिर होगा उसे डेबिट कहूंगा। अब ये क्लियर हो गया, एसेट की हाजिरी को डेबिट कह रहा हूं। आपने खुद कहा है कि अंधेरा रोशनी की गैर मौजूदगी है। एसेट की हाजिरी डेबिट है तो उसकी गैर मौजूदगी, उसका जाना क्रेडिट है। और मेरे पास, मेरी अकाउंटिंग की यूनिवर्स में मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं है, या चीज डेबिट है या क्रेडिट है। अगर एक चीज का आना डेबिट है तो उसका जाना क्रेडिट है सर। जब आप इस पे कन्विंस हो गए कि एसेट्स का आना डेबिट है तो उसका जाना क्रेडिट है, अब आ जाएं दूसरी चीज पे। लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी कम ऑन दी बोथ ऑफ देम कम ऑन दी राइट साइड ऑफ टी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्रेडिट कम्स ऑन दी राइट साइड ऑफ टी अकाउंट। इससे उन्होंने ये सिमिलैरिटी ड्रॉ की कि लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी आर बेसिकली क्रेडिट्स। इनकी प्रेजेंस, यहां प्रेजेंट है ना, इसकी प्रेजेंस क्रेडिट है। जब एक चीज का हाजिर होना क्रेडिट हो तो उसका जाना क्या होगा? डेबिट। इसका मतलब है इन दोनों के लिए रूल अलग है। एसेट एग्जैक्टली, एसेट का आना डेबिट है, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी का आना क्रेडिट है। एसेट का जाना क्रेडिट है तो लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी का जाना डेबिट है। रूल्स ऑपोजिट है और रूल ये बना दिया, एसेट का इंक्रीज डेबिट, एसेट का डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी का इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी का डिक्रीज डेबिट। सो फार सो गुड सर, ये रूल बन गया। अब तमाम ट्रांजैक्शन जो मैंने की थी टी अकाउंट्स में इन्हीं रूल्स के मुताबिक करूंगा। अब रूल चला रहा हूं, अब अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, पहले लेमैन की तरह बात कर रहा था, अब अकाउंटेंट के तौर पर बात करूंगा। अगर अकाउंटेंट के तौर पर बात करूं, वही तमाम ट्रांजेक्शन करते हैं। पहली ट्रांजेक्शन हुई, 1 मिलियन मैंने कैश जमा करा दिया कारोबार के नाम पे, मुबशर्स कैपिटल। ट्रांजेक्शन क्या हुई है जी? 1 मिलियन आया है और 1 मिलियन का सोर्स क्या था? इकोनॉमिक रिसोर्स, एसेट लिखना है और उसका सोर्स लिखना है। सोर्स क्या, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है? 1 मिलियन। उसमें इफेक्ट किधर से आया है? इकोनॉमिक रिसोर्स पे इफेक्ट कहां से आया है सर? 1 मिलियन कैश मैंने दिया है, ओनर्स इक्विटी। सो 1 मिलियन कैश आया है। कैश क्या होता है सर? एसेट।
increase in asset is reported by, so we would have to debit the cash by 1 million. Debit side कौन सी है सर, ये कि ये left side. तो यहां मैं 1 million लिख दूंगा, मेरे पास अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कोई साइन नहीं है सर, या मैं डेबिट में लिखूंगा या मैं क्रेडिट में लिखूंगा, मैं प्लस माइनस कर ही नहीं सकता. अकाउंटेंट्स को प्लस माइनस नहीं आता, साइन नहीं आते, वो उसके लिए अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं. लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट. एसेट का इंक्रीज डेबिट होता है, कैश इंक्रीज हो गया इसलिए कैश को डेबिट कर दूंगा. कितनी अमाउंट से, 1 million से, लेफ्ट साइड पे 1 million लिख दिया. अग्रीड सर? नो, कोई बात नहीं सर, दोबारा बात करते हैं. सर मैंने कैश 1 million जमा कराया था, आप ये अग्री करते हैं? 1 million कैश जमा कराने का क्या मतलब हुआ, कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया. अब यहां आपने डिफाइन किया है इंक्रीज इन एसेट्स आर रिपोर्टेड बाय डेबिट. मेरे टी अकाउंट में ये जो कैश कल कारोबार में जमा कराया वहां तो क्रेडिट हो गया, मेरे से निकल गया वो डेबिट. ये कारोबार का खाता है, ये मैंने शुरू में बात की थी सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. मैं कारोबार से अलहदा हूं, कारोबार के खाते में आ गया, ये कारोबार के खाते में लिखा गया. कारोबार के लिए क्रेडिट नहीं होगा, कारोबार में क्रेडिट नहीं होगा, कारोबार का डेबिट है, कारोबार का एसेट है. चाहता है ना किसी, उसमें पैसा गया क्रेडिट हुआ, पैसा चला गया हाथ से कारोबार के तो क्रेडिट होगा, ये तो कारोबार के अंदर आया है. कारोबार ने ओनर से लिया है. देखिए ओनर और कारोबार दो सेपरेट एंटिटीज हैं. ये कारोबार के अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, कारोबार के अंदर पैसा आया, कारोबार के अंदर, कारोबार से गया नहीं, कारोबार के अंदर पैसा आया. द मनी हैज बीन इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, व्हेन मनी केम इनटू द बिजनेस इट इज एसेट्स कमिंग इन. प्रीवियसली द बिजनेस हैड नॉट हैड एनी कैश, नाउ द कैश हैज बीन इंक्रीज बाय 1 million. So increases in assets, cash is an asset. सर बैंक के लिए वो लायबिलिटी होती है, आप आगे जंप मार जाएंगे, बैंक के लिए वो एसेट नहीं होता. हम तो उन्हीं टर्म्स में समझ रहे हैं. नहीं, तो वो गलत करते हैं सर, और वो आप नहीं, बैंकर्स को भी नहीं पता होता, इसलिए छोड़े उस बात को. देखे तभी तो कंफ्यूजन. नहीं नहीं नहीं, बैंक देखे, अब एक क्लैरिटी थोड़ी सी दे दूं, आगे चलता हूँ. इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, बल्कि मैंने भी शुरू में कहा था कि बैंक वाला आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है. अभी मैंने बताया लायबिलिटीज का इंक्रीज क्या होता है, क्रेडिट. बैंक वाले के लिए आपका अकाउंट एसेट है जब कैश होता है, पर साथ लायबिलिटी है. बैंक के पास जब आप 1 million लेकर जाते हैं, वो अपने एसेट कैश को डेबिट करता है और आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देता है, इसकी लायबिलिटी है, जब चाहेगा आके ले लेगा. सर हर बंदे का फोकस मुख्तलिफ है, जो मेरा नफा है वो आपका नुकसान है, जो मेरा नफा है वो आपका एक्सपेंस है. मैं PTCL हूं, मैं कहते हूं फोन रेवेन्यू, कम्युनिकेशन रेवेन्यू, आप कंज्यूमर हैं, आप कहते हैं फोन एक्सपेंस, जो आपका खर्चा है वो मेरा रेवेन्यू है. बैंक वाले हमारे अकाउंट को लायबिलिटी है सर, वो लायबिलिटी है, राइट सर? इज इट गुड? ओके ग्रेट. ओके जी, सो लेट अस कम टू द पॉइंट वेयर वी हैव डिसाइडेड दैट दिस पर्टिकुलर कैश इज एन एसेट. इंक्रीजेस इन एसेट्स आर रिपोर्टेड बाय डेबिट्स, सो कैश इज बीइंग डेबिटेड बाय 1 million. On the other hand, owner's equity में भी तो increase हुआ ना. Formally, इससे पहले owner's equity zero थी, आज owner's equity में increase हो गया. Increases in owner's equity, यहाँ rule बना हुआ है. Increases in owner's equity are reported by credit. So owner's equity credit side कौन सी है सर? Right side. I will report it over here. बंद. हर transaction को इस तरह लिखना है सर. आपने कहा कि separate entity की ओनर इक्विटी बिजनेस के अंदर वो पैसा है जो बिजनेस में ओनर ने डाला है. वो एसेट भी है? नहीं, एसेट कैश है. बिजनेस के लिए एसेट कैश है और ओनर इक्विटी वो सोर्स है जहां से वो पैसा आया. बिजनेस बेसिकली ये हिसाब रख रहा है कि मेरे एसेट कौन से हैं और मेरे सोर्सेज एसेट के कौन से हैं. तो अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड देखेंगे तो एसेट्स पे है, और राइट साइड को देखेंगे तो वो सोर्सेज है, या वो लायबिलिटी की शक्ल में जिसे आप कैपिटल ही कहते हैं. पर कौन सा? क्रेडिट वाला कैपिटल, उधार का कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ठीक है सर, लायबिलिटी. और दूसरा आपका इक्विटी की सूरत में आ गया, राइट सर? ओके सर, डिस्कशन आपस में ना करें, मुझे और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है. ओके सो इज इट क्लियर सर? कोई इशू नहीं. दूसरी ट्रांजेक्शन करते हैं सर, दूसरी ट्रांजेक्शन करते हैं. दूसरी ट्रांजेक्शन क्या थी सर? हमने लैंड दिया था 100,000. बिजनेस के पास लैंड आया था सर 100,000. इससे पहले, एग्जैक्टली सर, इससे पहले बिजनेस के पास कोई पैसा नहीं था. लैंड इज एन एसेट, इजंट इट? इकोनॉमिक रिसोर्स.
increase in assets are reported by debits. So land would be debited by 100,000. Land 100,000 से और debit का क्या मतलब है सर? 100,000. अब दूसरी बात, transaction की दूसरी side देखिए. एक ये cash गया 50,000. कैश गया, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीजेस इन कैश आर रिपोर्टेड बाय क्रेडिट, सो कैश वुड बी क्रेडिटेड बाय 50,000, क्रेडिट साइड पे लिख दिया. प्लस अब ये बात एक और याद रखें, जितने के डेबिट्स होंगे एक ट्रांजैक्शन में उतने के ही क्रेडिट्स होंगे. अकाउंटिंग इक्वेशन ने अपनी इक्वालिटी मेंटेन रखनी है. डेबिट आपने 100,000 के किए तो क्रेडिट भी आप 100,000 के करेंगे, राइट सर? अभी तक आपने 100,000 का डेबिट किया और 50,000 का क्रेडिट किया, आपने लायबिलिटी में भी इजाफा किया है जब लैंड लिया है. कौन सी लायबिलिटी? नोट्स पेएबल. इंक्रीजेस इन नोट्स पेएबल आर इंक्रीजेस इन लायबिलिटीज. Increases in liabilities are reported by credits. So, आप देखिए, notes payable भी 50,000 से increase कर गए. Agreed or not, sir? जितने debits, उतने credits. जब debits और credits equal होंगे, तो accounting equation अपनी equality maintain रखेगी. Automatically. हर transaction पे पता चल रहा है मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ. This is double entry accounting system. Right, sir? Sir, double entry इसलिए कहते हैं कि जितने debit, उतने credit. अकाउंटिंग इक्वेशन को इक्वेट कर रहा है, इसलिए डबल एंट्री कहते हैं. अगर जितने 1,00,000 के डेबिट हुए हैं तो 1,00,000 के क्रेडिट हुए, बेशक 100 चीजों में हो, ठीक है सर? जितने डेबिट उठने, इसीलिए इसे डबल एंट्री कहते हैं. अग्रीड सर? यहां तक क्लियर? तीसरा स्टेप सर, ऑफिस लिया था सर, ऑफिस लिया था सर 1,00,000 का, कैश का लिया था सर. ऑफिस इज एन एसेट, इंक्रीजेस इन एसेट्स आर रिपोर्टेड बाय डेबिट, सो ऑफिस वुड बी डेबिटेड. अब डेबिट साइड देखें सर इसकी, 100,000 By an amount of 100,000. अच्छा, ये ऑफिस किस पे लिया था सर? सारा कैश पे, 100,000 कैश. कैश एग्जैक्टली सर, जितने डेबिट उतने क्रेडिट. आप देखें 100,000 ऑफ कैश इज बीइंग क्रेडिटेड. अग्रीड सर? कोई इशू नहीं. अगले स्टेप पे आ जाए सर. उसका क्या हुआ था सर? हमने उसके बाद 25,000 पे ऑफ कर दिया था. दोस्त हमारा आ गया था, उसने कहा यार 25,000 चाहिए. 25,000 कैश गया. Decreases in cash are decreases in assets. Decreases in assets are represented by credits. So cash is credited by 25,000. और ये cash credit क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने उधार वापस किया था. कौन सा उधार? नोट पेएबल. लाइबिलिटी को डिक्रीज किया था. डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट. सो आप देखें, नॉम कैश क्रेडिट हो गया और लाइबिलिटी 25,000 से डेबिट होगी. अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी इक्वालिटी मेंटेन रख रही है. डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जितने डेबिट्स हो रहे हैं उतने क्रेडिट्स हो रहे हैं. फाइनली हमने क्या किया था? ऑफिस इक्विपमेंट लिया था सर. कितने का ऑफिस इक्विपमेंट लिया था सर? 25,000 का. सारे का सारा उधार पे लिया था. ऑफिस इक्विपमेंट इज एन एसेट. इंक्रीजेस इन एसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डेबिट्स, सो ऑफिस इक्विपमेंट इज बीइंग डेबिटेड बाय 25,000. And how had you financed it? From accounts payable. Accounts payable is a liability. Increases in the liability is reported by credit. So I would report it by 25,000. अब वो एक नॉर्मल आम बंदे का तरीकाकार था अपने लेजर्स मेंटेन करने का. ये एक अकाउंटेंट का तरीकाकार है अपने लेजर्स को मेंटेन करने का. एक आम बंदा बैलेंसेस करता है. वो देखें, 1,000,000 में से 50,000 निकाले, 1,000,000 में से उसमें से 1,00,000 निकाले. यहां इस तरह नहीं होगा. यहां डेबिट्स और क्रेडिट्स को कंपेयर करूंगा. जहां तक देखिए, इन तमाम में कोई खास इशू नहीं. 50,000 का क्रेडिट है, 25. देखिए यहां डेबिट बैलेंस है, यहां डेबिट बैलेंस है, यहां डेबिट बैलेंस है, यहां क्रेडिट बैलेंस है, यहां क्रेडिट बैलेंस है. इधर इशू आ सकता है. पहला, कितने का डेबिट है? 50,000 का. कितने का क्रेडिट है? 25,000 का. रूल क्या होता है? जो हैवी साइड है उसमें से लाइटर साइड लेस करके हैवी साइड के नीचे लिख देनी. इसका मतलब है नोट पेएबल का बैलेंस क्या आएगा? 25,000 का क्रेडिट बैलेंस आएगा. 25,000 का क्रेडिट बैलेंस आएगा. अब यहां बहुत सारी ट्रांजैक्शन है. इन ट्रांजैक्शन के लिए इसे कहते हैं फुटिंग. फुटिंग करने लगा हूं. फुटिंग किस तरह करते हैं? ये 1,000,000 सारे का सारा छोटा सा करके नीचे लिख लिया. वैसे ये प्रैक्टिकली आजकल तमाम जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं, ठीक है? रूल्स उसमें बने हुए हैं. सो 100,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000, 175,000 ये लिख लिया. रूल क्या बताया? हैवी साइड से लाइटर साइड लेस करके हैवी साइड के नीचे लिख लिया. 825,000 बैलेंस पता चल गया.
जिस वक्त मैं बैलेंस मालूम करना चाहूं उस वक्त बैलेंस पता हो जाता है। अगर मैं तमाम लेजर्स के जब चाहूं बैलेंस मालूम करना चाहूं बैलेंस मालूम कर लूं, तो क्या जब चाहूं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना चाहूं अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं बन जाएगी? अब इस वक्त अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊं तो सर वही अकाउंटिंग इक्वेशन तमाम लेजर्स के नाम लिख लूं, तमाम नॉन जीरो लेजर्स के नाम लिखते हैं। नॉन जीरो लेजर्स कौन से होते हैं? जिनमें कुछ ना कुछ बैलेंस मौजूद होता है। आप देखें यहां कौन कौन से नॉन जीरो बैलेंसेस हैं, कैश लेजर्स है, लैंड, ऑफिस, ऑफिस इक्विपमेंट, नोट्स पेबल इज इक्वल टू नोट्स पेबल प्लस अकाउंट्स पेबल प्लस ओनर्स इक्विटी। उसी तरह हमने जो प्रॉपर तरीका है अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने का उसी तरह लिख दिया सर, लिख दिया। अब देखिए कैश का बैलेंस 825,000 डेबिट बैलेंस, एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा क्योंकि लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। लायबिलिटीज की मौजूदगी क्रेडिट है, एसेट्स की मौजूदगी डेबिट है, ओनर्स इक्विटी की मौजूदगी क्रेडिट है। सो इनके नॉर्मल बैलेंसेस, ये नॉर्मल बैलेंस है, अगर इसका क्रेडिट बैलेंस आ जाता मैं सरप्राइज होता और कहता गलती होगी, नॉर्मल बैलेंस है, डेबिट है। कैश 825,000, लैंड 100,000, ऑफिस 25,000, ऑफिस इक्विपमेंट सॉरी ऑफिस 100,000, ऑफिस इक्विपमेंट 25,000, नोट पेबल इज अगेन 25,000, अकाउंट पेबल इज अगेन 25,000, ओनर्स इक्विटी 1,000,000। एग्जैक्टली देख लें उस तरीके से करूं या इस तरीके से करूं, आंसर एक ही आता। कोई इश्यू सर यहां तक? ओके ये आपका यानी वो पहली चीज आपने देख ली, अकाउंटिंग इक्वेशन से आपने रूल देखा डेबिट एंड क्रेडिट का, और उससे फिर आपने लेजर बनाना देख लिया। जब आपने लेजर बनाना देख लिया तो लेजर से आप अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी बना सकते हैं, और अकाउंटिंग इक्वेशन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। नाउ लेट मी कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड पे निकलती हैं। मैंने अकाउंटिंग की शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि इट इज कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग ऑफ द डेटा एंड देन प्रेजेंटिंग इट इन सम अंडरस्टैंडेबल इंटरप्रेटेबल फॉर्म। नाउ व्हाट आर दीज अंडरस्टैंडेबल और इंटरप्रेटेबल फॉर्म्स, वो फॉर्म्स कौन सी हैं? Financial statement. A set of financial statements normally contains an income statement, a balance sheet, a statement of retained earning or statement of owner's equity, and finally a cash flow statement. I am talking about at the first balance sheet. What is a balance sheet? Balance sheet is a statement which tells you about the financial position of a company at a particular point in time. आप देखिए ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बैलेंस शीट नहीं है? इट टेल्स यू अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। किसी एक लम्हे में आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, आपकी इक्विटी कौन सी है, ये बैलेंस शीट है। दूसरी स्टेटमेंट जो होती है वो होती है इनकम स्टेटमेंट। व्हाट इज, मैं इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं बाकी डिटेल से एक कराऊंगा। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है जी? अ स्टेटमेंट विच टेल्स अबाउट द profitability of the company, about the revenue and expenses of the company, about the performance of a company at in a particular time period. Ek time period ke andar isne nafa kiya, nuksan kiya, kiya to kya kiya, कारनामा क्या किया, जो आपकी ऑपरेशंस का एंड रिजल्ट बताती है। ऑपरेशंस का एंड रिजल्ट है ना, मैंने इतने की चीजें बेची, उनकी कॉस्ट ये थी, ये नफा है, ये नुकसान है, राइट? एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, वो बताती है एक्चुअल कैश कितना आया, एक्चुअल कैश कितना गया। और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी में आपका क्वेश्चन था किस वजह से इजाफा या कमी होती है, वो तमाम वजूहात उसके अंदर अलहदा से लिखी जाती है क्योंकि बिजनेस मैनेजर के जहन में भी ये क्वेश्चंस होते हैं। अल्टीमेटली हमारी जो कोशिश है वो उस लेवल तक पहुंचना है जहां हम ये चारों स्टेटमेंट्स बना लें। हमने ये चारों स्टेटमेंट्स बनानी सीखनी है। पहली बात हो गई, हमें ये पता चल गया डेबिट और क्रेडिट का कौन सा रूल है, हमें ये पता चल गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन उससे किस तरह बना सकते हैं बेसिक एंट्रीज करके, हमें ये पता चल गया कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और इक्विटी क्या होती है। अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ है जिसे आप रेवेन्यू कहते हैं और एक चीज़ है आपको एक्सपेंस कहते हैं। मैं डेबिट क्रेडिट के तमाम रूल्स क्लियर करके अगली क्लास में बाकायदा
यू नो अकाउंटिंग एंट्री स्टार्ट करना चाहता हूँ. सो इसलिए आ रहा हूँ कि रेवेन्यू क्या होते हैं और एक्सपेंसेस क्या होते हैं. सो एनीबडी हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट दैट व्हाट इज द रेवेन्यू, हाउ वुड यू डिफाइन रेवेन्यू. हमने एसेट्स को डिफाइन किया इकोनॉमिक रिसोर्सेज, हमने लायबिलिटीज को डिफाइन किया दी ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट ट्रांजेक्शन, ऐसे हमने इक्विटी को डिफाइन किया द मनी विच यू हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, द ओनर्स हैव इन्वेस्टेड. हाउ वुड यू डिफाइन रेवेन्यू, व्हाट इज रेवेन्यू सर? सो दैट इज नेट इनकम, नेट रेवेन्यू. रेवेन्यू एज सच इज, देखिए मैंने आईफोन लिया, मैंने फोन लिया, जी 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 आप जी सर प्लीज. सर ओके, एक और चीज, अब ये सात सात चीजें आपको पता चलती जाएंगी. कैश का रेवेन्यू से कोई ताल्लुक नहीं. मैं आज जाता हूं पापा सैलिस में 10,000 का खाना खाता हूं, अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर देता हूं, क्या उसे कैश मिला? क्या उसने 10,000 रुपए कमाए? हां. रेवेन्यू उसका क्या है? सेल्स रेवेन्यू 10,000. क्या वो उसकी इनकम है? उसकी इनकम 8,000 उस पर कॉस्ट आई है, इनकम शायद 2,000 हो. और क्या उसे कैश 1 रुपया भी मिला है? नहीं सर. हम जिस अकाउंटिंग पे चल रहे हैं इसे अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं. अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिपेंडेंट है दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे, एक को मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं, एक को रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल कहते हैं. मैचिंग प्रिंसिपल क्या है? एक्सपेंसिस ऑफ अ टाइम पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज इन द टाइम पीरियड वेयर यू हैव इनकर्ड. एक्सपेंसिस ऑफ अ टाइम पीरियड शुड बी मैच्ड ऑफ अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ द सेम टाइम पीरियड. सर क्रेडिट कार्ड स्वैप वाला दोबारा एक्सप्लेन किया दे. तो मैं पापा सैलिस गया, मैंने 10,000 का फैमिली के साथ गया था, खाना खा लिया, मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया और उनका बिल आया. क्या वो उनका, मैंने चीजें देख के, वो सेल्स रेवेन्यू है ना सर? रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होती है? द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइड, द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड. सर बिल्कुल, मैं उस पर भी आता हूं, पहले क्रेडिट कार्ड पे और फिर डेबिट कार्ड एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों को उसका डिफरेंस ही नहीं पता होगा. सो वो भी मैं एक्सप्लेन किए देता हूं. पहले तो बात करें रेवेन्यू होता क्या है, वो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे. व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, जो आप प्राइस चार्ज करते हैं. वो जो प्राइस तमाम सर्विसेज की बनी 10,000 बनी, क्या उनका रेवेन्यू 10,000 नहीं है? सर रेवेन्यू 10,000 है. अच्छा, अब मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, क्रेडिट कार्ड या फॉर दैट मैटर इवन डेबिट कार्ड स्वाइप करूंगा, तो क्या फौरी तौर पे पैसे उन्हें मिल जाएंगे? आई एम सॉरी सर, नहीं. ट्रांजैक्शन बेशक क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो, बेशक डेबिट कार्ड के, उन्हें 3 दिन लगेंगे पैसे आने में. इसका मतलब है उन्होंने कैश पे सेल्स नहीं की, सेल्स उधार पे की है, पर क्या वो उनका रेवेन्यू नहीं है? है रेवेन्यू. क्यों? क्योंकि हम अक्रूअल बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं. अक्रूअल बेसिस क्या है? अक्रूअल बेसिस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल से आती है. रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या है? रेवेन्यू शुड बी रियलाइज्ड एज सून एज सर्विसेज आर रेंडर्ड और गुड सोल्ड आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर. इसका मतलब है कि मैंने आपको ट्रेनिंग कराई, मैंने आपको फैसिलिटेट किया, पैसे मिल जाएंगे. मुझे पता है केस पैसे नहीं खाएगा, मैं बाहर निकला, मैंने एंट्री कर दी, रेवेन्यू अर्न हो गया, पैसे मिलते रहेंगे. That is the basic principle. ये accrual accounting है. हम cash basis accounting पे नहीं चलते, हम accrual accounting पे चलते हैं. इसी तरह expense किया, मैंने consulting के लिए जाना है कराची, air ticket buy किया, consulting का revenue तो जब assignment complete होगी तब मिलेगा. air ticket तो आज लेना है, air ticket लिया, air ticket credit card पे लिया, expense फिर भी लिखूंगा, आज का खर्चा है, payment जब मर्जी करूं. अक्रूअल बेसिस, अक्रूअल बेसिस का क्या मतलब है? जो चीज ड्यू हो गई, अक्रूड जो हो गए उन्हें लिख लो. ये खर्चा ड्यू हो गया ना, बिल में आएगा अगले महीने, 7 तारीख को मेरा बिलिंग साइकिल है, 7 तारीख को मुझे पेमेंट करनी है, 7 तारीख को आएगा तो अक्रू तो हो गया, पेमेंट तो करनी है, खर्चा तो हो गया, राइट सर? हम अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे चलते हैं. इस पर बार हाँ मैं दोहराता रहूंगा. पहले आ जाए कि रेवेन्यू क्या है. रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड. रेवेन्यू. एक्सपेंस क्या है? The cost of goods sold or services consumed in the process of earning revenue. Revenue क्या है? The price of goods sold or services rendered. जो मैं चीज बेच रहा हूं, देखिए मैं अपनी services बेच रहा हूं ना, मैं normally मैं consultant, मैं तो अपनी बातचीत बेचता हूं, ठीक है, बट एक जगह पे हाजिर होने की मुझे cost भी तो bear करनी पड़ती है. मैं अपने hourly rates लेता हूं ना,
मैं डेली रेट्स लेता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपीज एक असाइनमेंट के लेने या 50,000 या 1,00,000 लेने, मेरा 1,00,000 वो जो मैं पर डे या बिल कर रहा हूँ 1,00,000, देखिए वो मेरा रेवेन्यू है, पर उसकी कुछ कॉस्ट भी तो इनकार कर रहा हूँ। उस जगह पे पहुँचने के लिए मैंने गाड़ी यूज़ की है, मैंने कैब यूज़ की है, मैंने पेट्रोल डलवाया है, मैंने सूट पहना है जो डिप्रिशिएट होगा उस जगह के मुताबिक जाने के लिए, मैंने अपने हो सकता है कोई इक्विपमेंट यूज़ किया है, ये की सारी कॉस्ट है वो सर्विसेज देने की, दैट इज एक्सपेंस। आर वी क्लियर? वॉट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज द प्राइज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड वॉट इज एक्सपेंस? द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज कंज्यूम। अब ये बात होती है रेवेन्यू के साथ सलूक क्या करें, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, और एक्सपेंस के साथ क्या सलूक करूं, डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, असल फड्डा इस पे। सर प्लीज, प्रॉफिट ऑफ रेवेन्यू माइनस सर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, वो नेट प्रॉफिट है, उसे नेट इनकम कहते हैं, राइट सर? वो रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट है। हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की और हम बात कर रहे हैं एक्सपेंस की। अब देखिए रेवेन्यू क्या है, द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। मुझे ये बताइए जो चीजें बिकती हैं वो किसकी होती हैं? मालिक की, मालिक की, ओनर की। इसका मतलब है जो चीज बिकेगी तो पैसे किसके पास आएंगे? मालिकों के पैसे होंगे। इसका मतलब है जो चीज बिक के पैसा आया है वो किसका पैसा है? एक्विटी का। वो किसे इंक्रीज करेगा? एक्विटी को। ओनर्स एक्विटी में इंक्रीज को आप क्या कहते हैं? क्रेडिट। इसका मतलब है जब भी रेवेन्यू आएंगे, जब भी रेवेन्यू आएंगे सर आप करेंगे क्रेडिट, जब भी रेवेन्यू आएंगे आप करेंगे क्रेडिट। और सर सर प्लीज 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 सर, सर जरूरी नहीं कि कैश में हुआ, ये तो जरूरी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो भी कैश में नहीं होती। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने केस को इस महीने सर्विसेज दी, पे कब देगा? सो जब इस महीने की क्लोजिंग कर रहा हूँ तो क्या लॉस लिख लूँ इस महीने का? कोई रेवेन्यू नहीं बनाया? नहीं सर, रेवेन्यू में 30th को रिकॉग्नाइज बुक कर लूंगा रेवेन्यू। पैसे आ गए, रेवेन्यू आ गया, पैसे आ जाएंगे कैश। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लोस एंड इनकम, इट इज अक्रूअल इनकम। इसीलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से बनाते हैं, अक्रूअल बेसिस पे इनकम हो गई है। इनकम इज नॉर्मली नेट इनकम, इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इनकम इज जो नेट अमाउंट बचती है। देखिए अगर मैंने सर को सर्विसेज दी, मैंने मेरी कंसल्टिंग असाइनमेंट है जी UNDP के साथ, छोटी सी एक असाइनमेंट है 500,000 मैंने लेना है, लेट अस अज्यूम उस पे खर्चा मेरा 7,00,000 हो जाता है, तो क्या मैं प्रॉफिट में रहूंगा? मैं 2,00,000 का लॉस करूंगा, मैं 7,00,000 का लॉस नहीं करूंगा। किस तरह हिसाब करूंगा? UNDP वाले तो मुझे कहेंगे तुझे तो मैंने 5,00,000 दिए, तो मैंने क्या बताऊंगा? 5,00,000 दिए तो 7,00,000 मेरे जेब से लग गए हैं भाई, 2,00,000 का नुकसान दिया है, मैं ये बात नहीं करूंगा सर। अल्टीमेटली आप बिलो द लाइन फिगर को देखते हैं, बिलो द लाइन इनकम आ रही होती है। अल्टीमेटली रेवेन्यू इज द ग्रॉस अमाउंट, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ इट, और फिर नेट इनकम है जो आप देख रहे होते हैं। चीजें नेट इनकम के लिए, लोग इनकम के लिए काम करते हैं, लोग सिर्फ रेवेन्यू के लिए काम नहीं करते। मुझे अगर 5,00,000 की इनकम आ रही है और 7,00,000 खर्चा आ रहा हूं, मैं उसके लिए काम नहीं करता। सर मैं बहुत सारी पॉलिसीज बताता हूँ, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं। अगर मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम के प्रॉब्लम्स ना हो तो एनरॉन बड़ी मशहूर एग्जांपल है, इंटरनेशनल एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तानी तो वीसी ही है। एनरॉन दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल है, आपने फॉर्चून 500 का नाम सुना होगा, साल हा साल फॉर्चून 500 में टॉप पे रही है एनरॉन, ENRON आप गूगल करेंगे पता चल जाएगा। साल हा साल मेरी तरह के नालायक नहीं, बड़े बड़े चैंपियन एनालिस्ट उसे एनालाइज करते थे, एक दिन फॉर्चून 500 की टॉप पे थी, एक दिन उसका शेयर $300 पे था, अगले दिन उसका शेयर 25 सेंट पे था, इस तरह नीचे ब्रेकर ब्रेक होते गए, ब्रेकर्स लगे होते हैं, पर आप समझे कि नेक्स्ट टाइम ट्रेड हुआ है तो 25 सेंट पे। क्यों? क्योंकि यही सारी गिमिक्री कर रही थी, रेवेन्यू नजर आ रहा है पीछे कैश नहीं है। सो उसको छोड़े, वो रेवेन्यू क्या करते हैं, रेवेन्यू को बढ़ाने के बड़े तरीके हैं। एज एन अकाउंटेंट इज अ जोक, लेट मी शेयर इट, कि एक अकाउंटेंट साहब नौकरी के लिए गए तो सेठ साहब ने पूछा 1+1 क्या होता है, 2 का फारिग, दूसरा आया 1+1 क्या होता है,
उसने कहा शायद पहले को फारिग किया हो, बता तो देते हैं लोग। उसने कहा 1:11 आउट, फारिग। तीसरा आया, 1:1 क्या होता है? सर आप बताएं क्या चाहते हैं, वही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग, एंड आई एम टॉकिंग वेरी ट्रूथ, के अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक आप मुझे एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दें, दैट्स अ चैलेंज। नफे वाली नुकसान कर दूंगा, नुकसान वाली नफे, विद इन अकाउंटिंग रूल्स, विद इन अकाउंटिंग रूल्स, स्टिपुलेटेड अकाउंटिंग रूल्स, कोई मैं बेईमानी नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करूंगा, बस मैं अपने कुछ डिसीजंस इस तरह करूंगा। सो उसको छोड़िए वो क्या चीजें, अभी उस लेवल तक ना आइए, आप सिर्फ ये देखिए कि रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड वॉट इज एक्सपेंस, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज कंज्यूम्ड। रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज डिलीवर्ड रेंडर्ड, एंड एक्सपेंसिस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सर्विसेज कंज्यूम। रेवेन्यू क्या करता है, इक्विटी को बढ़ाता है। जो चीज इक्विटी को बढ़ाती है, इक्विटी का बढ़ाना क्या है, क्रेडिट। सो जब भी रेवेन्यू आएगा आंखें बंद करके हम क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि रेवेन्यू इक्विटी को बढ़ाता है, इक्विटी को बढ़ाना क्रेडिट होता है, तो रेवेन्यू क्रेडिट है। सो हमने एक और रूल बना लिया, हमने रूल क्या बनाया जी, रेवेन्यू जब भी आएंगे सिर्फ क्रेडिट होंगे, रेवेन्यू का आना सिर्फ क्रेडिट। अगर कोई रेवेन्यू अपने पास, यहां मैंने इस अकाउंटिंग की इक्वेशन में रेवेन्यू की एग्जांपल नहीं दी थी, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस से ज्यादा होगा तब क्रेडिट नहीं सर, रेवेन्यू जब भी आएगा उसे क्रेडिट कर दें। वो एक इनकम स्टेटमेंट बनेगी जिसमें रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस होकर नेट अमाउंट आएगी। रेवेन्यू देखे ना, सिर्फ रेवेन्यू अगर एक्सपेंसेस आपके ज्यादा है जी, तो वो आपकी जो ओनर्स इक्विटी है उसको बढ़ा तो नहीं रहा। नहीं, वो क्या करेंगे, अब नेट इफेक्ट देखिए, मेरी पूरी बात समझ लीजिए, फिर वो नेट इफेक्ट नजर आ जाएगा। रेवेन्यू क्या करता है, वो क्रेडिट करता है ओनर्स इक्विटी को। अब मैं साथ साथ नंबर की एग्जांपल देता हूं, अज्यूम कीजिए मेरी ओनर्स इक्विटी कितने की थी सर, 1 मिलियन की, यही थी सर। रेवेन्यू आया, उसने 50,000 से मेरी इक्विटी को बढ़ा दिया, और एक्सपेंसेस मेरी इक्विटी को गिराते हैं, कम करते हैं। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिट, इक्विटी में जब कमी होती है इक्विटी का डिक्रीज क्या होता है, डेबिट होता है, यही है ना सर। अज्यूम कीजिए ये जो रेवेन्यू वाली एक्टिविटी की है उस पर 40,000 खर्चा आया, ये 40,000 मेरी इक्विटी को गिरा देगा, तो यहां तो नेट इफेक्ट ही क्लोज होगा, राइट सर। ये सेल्फ सेटलिंग है, रेवेन्यू सारे के सारे डेबिट कर क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंसेस सारे के सारे डेबिट कर देंगे। रेवेन्यू इक्विटी को बढ़ा देगा, एक्सपेंसेस इक्विटी को घटा देगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली नेट इफेक्ट, नेट इनकम नजर आएगी, इक्विटी में इजाफा। सर प्लीज सर, एसेट को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, पर सिर्फ लेफ्ट साइड पे इफेक्ट नहीं होना, अकाउंटिंग इक्वेशन दो साइड पे इफेक्ट डालती है। रेवेन्यू, अब आप सोचिए जब चीज बिकती है तो होता क्या है सर, कैश मिलता है। सो एसेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर वो कैश दूसरी तरफ क्या ट्रांजेक्शन करता है, 50 रुपए की चीज आप 100 रुपए में बेच देते हैं तो होता क्या है, एक तरफ 100 रुपए आया अकाउंटिंग इक्वेशन में, चीज 50 रुपए की गई, और 50 रुपए और क्या हुआ, वो इक्विटी, वो प्रॉफिट है। सो पूरा आप लिखेंगे 100 रुपया इधर भी उधर भी, फिर 50 रुपए की चीज निकाल देंगे इधर से भी, एसेट से भी उसे क्रेडिट कर देंगे, निकल गई ना मेरे हाथ से निकल गई, और इक्विटी से भी एक्सपेंस करके उसे क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट होता है, इक्विटी का भरना क्रेडिट, इक्विटी का घटना डेबिट। सो इक्विटी का भरना इज रेवेन्यू क्रेडिट, इक्विटी का घटना इज एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंसेस इक्विटी को घटाते हैं इसलिए डेबिट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं इसलिए क्रेडिट होते हैं। अगर आप ये रूल इस वक्त तक का याद कर लें और आपकी शहबाज ने ईमेल्स ले ली हो, तो मैं एक छोटी सी बुक आपको, आउटलाइंस आपने डिस्ट्रीब्यूट शहबाज प्लीज कर दी, अगर आप अपनी आउटलाइंस देखिए तो उसमें पहली बुक का जो नाम लिखा हुआ है जी अकाउंटिंग की, आउटलाइंस अगर नहीं मिली तो मिल जाएंगी, नहीं तो ईमेल्स हो जाएंगी। ईमेल शहबाज आपने ईमेल लेनी है, अच्छा वो चल रही है जी, आप लोग प्लीज अपनी ईमेल लिख के जाइएगा ताकि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूं। मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्लास में आप 2-3 चैप्टर ऐसे ही प्लेजर रीडिंग करें, अभी कोई असाइनमेंट नहीं, अभी कुछ नहीं, सिर्फ प्लेजर रीडिंग करनी है आपने 3-4, और आप देखेंगे कि पहले 2-3 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, मैंने जो चीज कहानियों में आपको बताई है वो उसने बड़ी थ्योरी करके लिखी हुई है, दैट्स अ प्रॉमिस, कि आपने पहले 2-3 चैप्टर पढ़े हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने हर एस्पेक्ट कवर किया है। कुछ चीजें एज अ ह्यूमन, मेरे सामने सारा टेक्स्ट नहीं, मैं कुछ चीजें छोड़ सकता हूं एज अ ह्यूमन, पर क्रक्स पहले 2-3 चैप्टर का जो बुक आपको दी जाएगी वो कवर्ड है। सो वो देख लीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर हम न्यूमेरिक्स पे चले जाएंगे। आपने थ्योरी को यहां तक देख क्या, ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई है ना, अगर ये चीजें क्लियर हो गई है इसकी एप्लीकेशन सप्लाई रीडिंग के तौर पर कर रही है।
सर अगर 50 की कोई चीज़ हमने 100 में सेल किया है तो जो 50 हमारे पास आया सर वो रेवेन्यू नहीं होगा? जो हमारे पास 100 रुपये आया है वो रेवेन्यू है और 50 रुपये एक्सपेंस हुआ है। नेट इफेक्ट क्या हुआ? 50 रुपये से इक्विटी बढ़ गई, ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम डिटेल से ट्रांजेक्शन करेंगे। आपने सिर्फ ये कुछ रूल्स, प्लीज अगर कुछ और कंफ्यूज हो रहे हो तो ये रूल्स लाजमी याद रखने हैं। क्या? एसेट्स का इंक्रीज डेबिट, एसेट्स का डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी का इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी का डिक्रीज डेबिट। रेवेन्यूज आर ऑलवेज क्रेडिट। रूल देख लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, सुन लीजिएगा ये रिकॉर्डिंग दोबारा। रेवेन्यू बेसिकली इंक्रीज करता है इक्विटी को, एक्विटी का इंक्रीज क्रेडिट है, इसलिए रेवेन्यू क्रेडिट है। बहस बेटे डिटेल से दोबारा करेंगे जब आप कुछ पढ़ लेंगे, क्योंकि एक दिन में बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट हो गया। मैचिंग पे और रेवेन्यू रियलाइजेशन प्रिंसिपल, ठीक है। तीसरी चीज एक्सपेंस, एक्सपेंस ओनर्स एक्विटी को डिक्रीज करता है। ओनर्स एक्विटी का डिक्रीज डेबिट होता है, इसलिए एक्सपेंस डेबिट होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक चीज है जो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स एक्विटी है। एसेट्स डिफाइन कर दिए, लायबिलिटीज डिफाइन कर दी, एक्विटी डिफाइन कर दिया, रेवेन्यू डिफाइन कर दिया, एक्सपेंस डिफाइन कर दिया। लेजर की लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। ये क्रक्स है हमारी डिस्कशन का, ठीक है जी। प्लीज थैंक यू वेरी मच। अपनी ईमेल्स प्लीज देके जाइएगा, मैं आपको कुछ चीजें भेज दूंगा।